ओके okay, uh, एक बार जरा कंफर्म कर लीजिए हम लाइव है क्या वीडियो को टू एक्स पे लेके आइए सो दैट आप नॉर्मल पे आ सको लेटेंसी uh, आज शायद कम रहना चाहिए सी दिस या ना कैन वी जस्ट स्टार्ट अगर इतना हो चुका है तो वी कैन स्टार्ट गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी यस यू कैन सी धिस राजकुमार देन

ऑलमोस्ट सारे कुछ एक दो चैप्टर को छोड़ के लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पीडीएफ अगर आपको चाहिए या एनी थिंग टेक्स्ट बुक पीडीएफ जो भी मैं रेफर करने वाला हूं जो आप यहां पे देख सकते हो ये सोल्यूशन है और ये पीडीएफ है और ये पीडीएफ में क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से लिए गए हैं इफ यू नीड लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन और यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर घर लिंक इज इन इन द डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप भी आप वहां पर जा सकते okay. आज पूरा कवर करोगे चैप्टर या सेकेंड पार्ट होगा नहीं आ रहा वट एवर विल बी डन अभी यहां पे कंप्लीट करेंगे complete go, yeah, exactly. so the video, like okay, वैसे बाद में बोला जाना चाहिए बट नेवर चलिएगा शुरू करते हैं ये चैप्टर बहुत लोगों को प्रॉब्लम देता है आई कैन टेल यू वन थिंग ये चैप्टर ओवर नेम इट इंडिकेट्स इंडिकेट ओवर का मतलब ये चैप्टर आपके सर पे से जाता है

So, एक काम करते हैं पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं देन सुनना ध्यान से हमारी एक कंपनी है तो हम क्या करेंगे इस कंपनी के दो डिविजन करेंगे ओके सर ये कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा एक रहेगा आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक रहेगा आपका सर्विस डिपार्टमेंट आई रिपीट एक रहेगा आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक रहेगा आपका सर्विस डिपार्टमेंट ओके सर एग्जांपल दो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट तो चलो दो एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे प्रोडक्शन के दो पार्ट कर लेते हैं और सर्विस के भी दो पार्ट कर लेते हैं ध्यान से देखना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के भी दो पार्ट सर्विस डिपार्टमेंट के भी दो पार्ट एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर इफ आई से प्रोडक्शन लेट से एक डिपार्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग इसका काम है गुड्स को बनाना स्पेयर पार्ट को बनाना दूसरा है असेंबली असेंबली मतलब जितने भी पार्ट्स बनाए रहेंगे उसको असेंबल कर देना ये दो डिपार्टमेंट एक्चुअली में प्रोडक्ट बनाते हैं लेटर से मैं क्या बनाता हूं लेटर से दैट मैं पेन बनाता हूं लेटर से दैट मैं क्या बनाता हूं पेन आई मैन्युफैक्चर पेन तो पेन के पार्ट्स जो बनते हैं रिफिल या वॉटर बॉडी वो मैन्युफैक्चर होती है एक डिपार्टमेंट में और दूसरे डिपार्टमेंट में उसको असेंबल किया जाता है लेकिन सर इधर के वर्कर काम करते हैं उनको भूख लगेगा तो खाना खाना पड़ेगा जैसे तुमको लगता है बहुत लोग यूट्यूब देखते है, देखते है भी खा रहे आई कैन टेल यू दिस आराम से सोफे पे लेट के तो देर इज वन डिपार्टमेंट कैंटीन डिपार्टमेंट उनको भूख लगता है तो खाने के लिए अच्छा और कभी लोग बीमार वगैरह पड़े तो एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है इधर हॉस्पिटल डॉक्टर का डिपार्टमेंट लेटर से हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ठीक है तो इनका काम प्रोडक्ट बनाना नहीं है सर्विस डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्ट बनाना नहीं है इनका काम है सर्विस देना और सर्विस किसको देना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देना कैंटीन खाने पीने की और बीमार हो गए तो हॉस्पिटल वाली सर्विस देना आई होप यहां तक का पार्ट क्लियर है नाउ वी कैन प्रोसीड अहेड ओके यहां से आगे बढ़ते एक सेकेंड चीज है हाँ परफेक्ट सो so, यहां तक का पार्ट क्लियर होने के बाद यहां से आगे बढ़ते हैं सुनना अब कंपनी में जो भी खर्चे होंगे कंपनी में जो भी खर्चे होंगे मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं एक होगा अलोकेशन एक होगा अपोर्शनमेंट तो देखो सबसे पहले इसको एक हेडिंग दिया जाएगा इसको बोला जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एक हेडिंग दे दू तो ओके या तो ये वैसे काम का नहीं है चलो मेन हेडिंग शुरू करते सुनना सबसे पहले जो चीज होगी उसको हम लोग बोलेंगे अलोकेशन

और लेटर से कुक या शेफ या वेटर का सैलरी ले कुक और वी कैन से शेफ उसका सैलरी कैंटीन में आ जाएगा डॉक्टर का सैलरी डॉक्टर वाले में आ जाएगा ये स्पेसिफिक है मतलब मैंने खर्चा बोला तो आप बता पाओगे ये खर्चा कहाँ का है मैन्युफैक्चरिंग का है असेंबली का है कैंटीन का है कि हॉस्पिटल का है हाँ सर ये हम बता पाएंगे रुको वीडियो को पे रखता हूँ जिससे आई कैन ऑलवेज कम टू तो द नॉर्मल कभी अगर पीछे रहू तो ओके और ये सर डॉक्टर का है इसके बाद सर एक स्टेप होगा अपोर्शनमेंट अभी दूसरा क्या होगा अपोर्शनमेंट पहला क्या था अलोकेशन अभी होगा अपोर्शनमेंट सुनना अभी अपोर्शनमेंट क्या है सर अपोर्शनमेंट मतलब ये होता है कि ये खर्चा है ना ये खर्चा ये सर एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं कंपनी ओवरऑल बेसिस पे कर रही है सर एक एग्जाम्पल दो सर रेंट की बात करते हैं रेंट कैसा हो रहा है मालूम है हमने इंडिविजुअल एग्रीमेंट नहीं बनाया है हमने एक लैंड रेंट पे लिया है और ये लैंड का हम लोग या तो एक पूरा प्रॉपर्टी रेंट पे जैसे हम बोलते हैं थ्री बी के हमने रेंट पे लिया है तो थ्री बी एच के का हम पूरा पे करते हैं एक रूम का अलग से रेंट नहीं जा रहा है वी पे एग्रीमेंट इज इन तो हम जो रेंट है वो पूरे एरिया का पे करते हैं और इस एरिया के अंदर चार डिपार्टमेंट है एक है आपका मैन्युफैक्चरिंग एक है आपका असेंबली एक है आपका कैंटीन एक है आपका हॉस्पिटल ये चार डिपार्टमेंट्स है और रेंट टोटल में पे होता है तो अब जो टोटल में रेंट पे हो रहा है वो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा चारों के लिए कितना तो रेंट किसी एक स्पेसिफिक रेशियो में जाएगा और वो रेशियो रहेगा एरिया एरिया के रेशियो में जाएगा तो आई कैन से दिस इज नॉट स्पेसिफिक कॉस्ट दिस इज कंपनी कॉस्ट से कंपनीज कॉस्ट डिवाइड इन रेशियो विल बी डिवाइडेड इन स्पेसिफिक रेशियो विल बी डिवाइडेड और विल बी अपोर्शन इन सुटेबल रेशियो ओके okay, सर थोड़ा थोड़ा तो हमको समझ में आ गया आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो ये एक ऐसा खर्चा है जैसे कि रेंट तो सर रेंट कौन सी चीज में जाएगा रेंट जाएगा एरिया के रेशियो में कि किसने कितना रेंट आ, कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है कितना स्क्वायर फीट उस हिसाब से आप डिवाइड कर दोगे डन सर और अगर वही मैं बोलूं शायद लेटर से लाइटिंग का खर्चा लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी का एक ही मीटर है चार अलग अलग मीटर नहीं है तो जो बिल आता है वो कंपनी के नाम पे आता है चार डिपार्टमेंट का अलग अलग नहीं आता हमारे घर पे भी जब बिल आता है वैसे अगर हमारे एक टोटल बिल आएगा तो लाइट पॉइंट्स पॉइंट पे कितने लाइट पॉइंट्स आप उस हिसाब से डिवाइड कर सकते हो लाइट पॉइंट्स के हिसाब से मतलब आप जरा नोटिस करोगे अलोकेशन मतलब खर्चे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है किसका है ये पता है लेकिन जब मैं अपोर्शनमेंट पे आता हूँ तो खर्चा

हमें अपोर्शन करना है सर कहां पे अपोर्शन अपोर्शन करना है यू हैव टू 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 दैट कॉस्ट बिकॉज इट इज गोइंग प्रोवाइड सर्विस योर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग वालों को खाना खिलाएगा असेंबली वालों को वो खाना खिलाएगा इट मीन अभी मुझे खर्चा वापस डिवाइड करना है इस स्टेप को बोला जाएगा रीअपोर्शनमेंट इसको क्या बोला जाएगा रीअपोर्शनमेंट नाउर इज वन मोर स्टेप विच इज नोन एज रीअपोर्शनमेंट ओके सुनना वेनाई से रीअपोर्शनमेंट इसमें क्या किया जाएगा ट्रांसफर किया जाएगा किसका खर्चा तो हम बोलेंगे यहां पे हम ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफर सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट हम यहां पे सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट कहां पे ट्रांसफर करेंगे सर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा ट्रांसफर करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे बिकॉज सर्विस डिपार्टमेंट का मेन इंटेंशन यही था कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे मतलब ये खर्चा इधर से लेस किया जाएगा और वो इधर अपोर्शन कर दिया जाएगा ट्राई टू अंडरस्टैंड रिअपोर्शनमेंट का मतलब वापस यहां का खर्चा यहां से लेस किया जाएगा और इसका काम था इनको सर्विस देना यहां पे लाया जाएगा यस प्रजापति सतीश थैंक यू सो मच फॉर दैट मैटर अभी सुनना सर इतना होने के बाद सर इतना होने के बाद अभी इधर का खर्चा नहीं हो जाएगा बिकॉज हमने यहाँ का खर्चा शिफ्ट कर दिया है रीअपोर्शन दूसरी बार कर रहे हैं रीअपोर्शन पहले एक बार अपोर्शन किया अभी वापस एक बार

मैं क्या बोलता हूं देखो इतना खर्चा आने के बाद इसको एक नाम भी दिया जाता है ये जो ओवरहेड है इसको एक नाम दिया जा सकता है इज नोन एज ओवरहेड इसको क्या बोला जाएगा मतलब फर्स्ट डे पे मेरा इतना खर्चा है अब मैं क्या सोचूंगा सर अगर फर्स्ट डे पे मेरा इतना खर्चा है और ये खर्चा मुझे कस्टमर से रिकवर करना है तो मैं कैसे करूंगा तो यहां पे छह मेथड है तो आप क्या करोगे बजेटेड डिवाइडेड बाय आप करोगे बजेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी आप करोगे बजेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी लेवल ऑफ एक्टिविटी जिससे आपको ऑब्जॉर्प्शन रेट मिलेगा यह करने से आपको एक ऑब्जॉर्प्शन रेट मिलेगा सुनना मतलब बजेटेड लेवल ऑफ एक्टिव मतलब आप यूनिट समझ लो तो आवर्स छह मेथड है उसके अंदर बट कोई सर मैं लेट तो नहीं हूं नहीं रावल ओके नो अटेंशन अब हम क्या करेंगे हमारा जो बजटेड है उसको हम डिवाइड करेंगे इट लाइक like, मान, लेते है, मान लेते है, example, मेरा खर्चा एक लाख okay? का खर्चा है और हम पचास हजार यूनिट बनाने वाले दिस इंडिकेट so जब जब हम एक यूनिट बनाएंगे एज एन वेन यू प्रोड्यूस वन यूनिट यू हैव टू रिकवर टू रुपीज प्रोडक्ट के लिए ओवरहेड्स का खर्चा ऐसे रिकवर होगा ओके okay, लेट हो गया ओके नाउ अंडरस्टैंड इस टू रुपीज को बोलेंगे रेट रेट इसको क्या बोलेंगे चलो ठीक है अब एक काम करते हैं इसके आगे भी चीजें होंगी बट बिफोर दैट जितना हमने अभी पढ़ा है इस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लेट अस डू द क्वेश्चन अच्छा कुछ चीजें इसके आगे भी होने वाली अंडर ऑब्जॉर्शन ओवर ऑब्जॉर्प्शन सब आएगा एक एक करके ओके ओवर इट्स एन अब्जॉर्प्शन दोनों आएगा एक एक करके हम जाएंगे चैप्टर्स के पार्ट्स वगैरह देखेंगे अभी के लिए इतना होने के बाद इतना होने के बाद अभी एक काम करते हैं लेट एस गो टू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टफ अगेन द क्वेश्चन आर फ्रॉम द मॉड्यूल द ओनली थिंग आई डोंट नो द रेफरेंस नंबर आपको कभी पता हो तो बता दीजिए अदरवाइज दैट्स ओके सुनिए चलेगा अभी हम क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं काफी इजी है ध्यान देना आपको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मैं आपको बताऊंगा आपको क्या लिखना है ओके यू डू नॉट वरी अभी आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर पे चलो सो अस अंडरस्टैंड दिस दैट इज टी दिसन यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन नंबर 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 सॉल्व करते है, चलो क्वेश्चन क्वेश्चन अभी हैं क्या है करके अंडरस्टैंड दिस पे ध्यान से पढ़ना ध्यान से एकदम अच्छा एक चीज और बतानी रह गई थी रीअपोर्शनमेंट वो अभी हम देखेंगे अच्छा, वन, तो वन ओके, है, सुनना, अभी क्या है सर इसमें ऐसा है ना इसमें ऐसा है पढ़ लेते हैं आपको समझेगा सर एक्सेल लिमिटेड नाम की कंपनी है हमने बोला ठीक है सर डेटा रिलेवेंट पढ़ लेते हैं जिसके तीन डिपार्टमेंट्स है तीन तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एंड चार सर्विस डिपार्टमेंट है ओके सर मतलब ऐसा कुछ आने वाला है सुनो मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जब मैं बात करूँ ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट तो इधर कुछ तीन है इधर कुछ चार है ठीक है तो स्प्लिट कर देते हैं तो यहाँ पे डिपार्टमेंट है ए बी सी ये आपके तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है देखो नीचे लिखा गया और सर्विस में एक स्टोर है मैं बस इतना लिख देता हूं एक स्टोर टाइम कीपिंग है एक पावर है और एक कैंटीन है चार डिपार्टमेंट है इधर एक पर्टिकुलर्स का कॉलम आएगा एक टोटल का कॉलम आएगा आपको लिखना नहीं है ये बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ और एक बेसिस का कॉलम आएगा ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस दैट इज हाउ द फॉर्मेट विल बी मेड स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड्स ऐसी एक हेडिंग दे दी जाएगी देखिएगा सोल्यूशन के लिए जरा यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूं ऐसा कुछ हेडिंग दिया जाएगा स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड्स स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ये आपको एक हेडिंग दे देनी है और एक फॉर्मेट बना देना है सर फॉर्मेट बनाने के बाद आगे की बात बताओ अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूं अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूँ सबसे पहले मुझे खर्चा दिया गया मुझे यहाँ पे तीन खर्चे दिए गए हैं अच्छा ट इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीजें आती है एक होता है अलोकेशन एक होता है अपोर्शनमेंट आई रिपीट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीजें आती है मैं लिख भी देता हूं देखो इसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं आपने ये जो अलोकेशन किया ना और ये जो अपोर्शनमेंट तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन देखो दो डिस्ट्रीब्यूशन वैसे तो तीन होता है आई कैन से पहला प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दो चीजें करना होता है एक होता है अलोकेशन वाला स्टेप और एक होता है अपोर्शनमेंट वाला स्टेप जिसको हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं अलोकेशन करना एंड अपोर्शनमेंट करना चलिएगा करते हैं वी विल अंडरस्टैंड कि यहां पे ऐसे कुछ होगा काफी इजी है ध्यान से सुनना सबसे पहले लिखना मत मैं आपको बता दूंगा आपको लग रहा है कि सर नहीं वी आर नॉट गेटिंग इट लेट मी नो है लिख देंगे चलिए नाउ सर तीन खर्चे हो गए यस yes, सर सर्विस डिपार्टमेंट में कितने खर्चे चार चल मैं कॉपी कर लेता हूँ थर्टी लैख ट्वेंटी सिक्स लैख ट्वेंटी फोर लैख देखो ऐसे कॉपी हो जाएगा कि टोटल ओवरहेड जो आपको दिए गए हैं टोटल ओवरहेड्स जो आपको दिए गए हैं ये देखो इधर दिए गए हैं ये आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से फोर अगर आप नोटिस करोगे कितना है फोर थ्री टू सॉरी फोर लाख थ्री लाख वन लाख सिक्सटी थाउजेंड वन लाख देखो फोर लाख ये ऐसा चेंज क्यों हो जाता है बाई डिफॉल्ट ओके अंडरस्टैंड

तो फोर लाख थ्री लाख कॉपी कर दिया इसमें डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हॉर्स पावर नंबर ऑफ वर्कर्स स्टोर रेक काम करो इसका टोटल कर दो जैसा मैं बोलता हूं करते जाओ थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड दट इज एट हंड्रेड ओके नाउ क्या बनाना है प्रिपेयर स्टेटमेंट अपोर्शनिंग दस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट हमें जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है वो कहां पर भेजना है इट इज लाइक रिअपोर्शनमेंट करना प्राइमरी करके दिया आ, अभी हमें सेकेंडरी करना है सुनना हमें सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा कहां पे भेजना है प्रोडक्शन में यूजिंग कौन सा मेथड डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड अच्छा अभी इससे मुझे ही आपको समझाना है जब हम रीअपोर्सनमेंट करते हैं जब अभी हम रीअपोर्शनमेंट करते हैं हमारे पास तीन मेथड होता है रीअपोर्समेंट करने के तीन मेथड होते हैं सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड हम एक एक करके लिखेंगे भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं आपको बता दू तो देखो यहाँ पे समरी नोट्स में एक होता है पहला ये मेथड

डिपार्टमेंट ए ने दो लाख पचास हजार का मेटेरियल रखा बी ने इतने का रखा सी ने इतने का रखा जिसने ज्यादा मेटेल जिसका गुडन में ज्यादा रखा गया उसको ज्यादा कॉस्ट बेयर करना चाहिए जो रेंट लग रहा है स्टोर का चार लाख रुपए का सुनिएगा अब अब चार लाख को कैलसी पे लीजिए मैं आपको बताता हूं देखो आपने अभी तक क्या किया है आपने अपने सोल्यूशन में अभी तक टोटल ऊपर लिख दिया है कि थ्री लाख का वैल्यू है ये जो वैल्यू उन्होंने दिया था ना वो आपने लिख दिया है अभी मुझे करना है अपोर्शनमेंट तो अगर मुझे सर स्टोर्स का अपोर्समेंट करना है तो स्टोर रिक्विजिशन मतलब दो लाख का टोटल आता है उसका देखो दो लाख का टोटल इधर ये एक सेकेंड दो लाख का टोटल नहीं है क्या कितने का टोटल है अच्छा सॉरी सुनो सुनो दो लाख स्टोर रिक्विजिशन रेक्वे क्या हो गया रुको इधर हाँ सॉरी वहां पे यह लिखा ही नहीं गया है सीधा मैंने डिवाइड किया है अभी मैं देखो आपको क्या बताता हूँ सुनिए ये वाला खर्चा आपका कौन से रेशो में जाएगा इस रेशो में जाएगा मैं कैलसी पे कैसे करता हूँ देखो आप कैलसी लीजिए चार लाख टाइप कीजिए डिवाइड बाई फाइव लाख कीजिए इनटू इनटू मतलब टोटल को टोटल को डिवाइड बेसिस कर दो पहले लाख देखो कैसा होता है आप कैसा करोगे इधर लिख दो, ये चार है, तो ये कितना आप करोगे, चार लाख इंटू समथिंग बाद करो मल्टीप्लाई लैख्टी मुल्टिप थाउजेंड इक्वल टू चलो था लेते हैं

और इधर से माइनस कर देना है कि चार लाख का खर्चा इधर से लेस कर दो और इसको शिफ्ट कर दो ये तीन जगह पे इफ दिस इज अंडरस्टूड लेट मी नो वी विल प्रोसीड अहेड अगर ये समझा है एक बार यस yes, सर बोल दीजिए आई विल कम टू नो आपको समझ में आ गया है हम नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे लेट मी नो दैट हेलो बताइए इफ दैट्स क्लियर विल प्रोसीड विद नेक्स्ट क्वेश्चन यस सर ओके okay, आयुष सालिमा स्मार्ट स्टडी परफेक्ट सो दैट इज क्लियर राइट चलिएगा अब और आगे जाते हैं स्नेहा मोहित ओके परफेक्ट सो चलिए अब अगर हम यहां से आगे जाएंगे सर आगे जाते हैं यस सर अब अगर हम यहां से आगे जाते तो देखना क्या होगा यहां से आगे जाने के बाद सुनना अब मुझे खर्चा कौन सा डिवाइड करना है टाइम कीपिंग का तो रेशियो आप इजीली निकाल लोगे तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट अभी अगर मुझे ये टाइम कीपिंग का तीन लाख का खर्चा डिवाइड करना है तो बस एक ही चीज है कि ये कौन से रेशियम में जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स की हॉर्स पावर अगर आपको पूछा जाए तो टाइम कीपिंग मतलब देखो सर हर डिपार्टमेंट में वर्कर काम करता है तो हम रिकॉर्ड करते हैं ये वर्कर ने कितने बजे आया कितने बजे गया दैट इज टाइम कीपिंग तो सर जहां पे ज्यादा वर्कर रहेंगे वहां पे ज्यादा मेहनत लगेगा वहां पे ज्यादा कॉस्ट लगेगा बिकॉज उतने लोगों का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा टाइम कीपिंग का सो इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स ओके या दैट इज ओके ओके नाउ यू अंडरस्टैंड सर

आई थिंक दिस इज वेरी इजी यू अंडरस्टैंड दिस देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल हां सर समझ में आता है सर पावर सर पावर का खर्चा कौन से रेशो में जाएगा पावर का खर्चा एक लाख साठ हजार है मुझे बताइए आपको क्या लगता है पावर का खर्चा कौन से रेशो में जाना चाहिए पावर का पावर का खर्चा कौन से रेशो में जाना चाहिए यस एग्जैक्टली मोहित दैट इज राइट आंसर हॉर्स पावर के रेशियो में जाना चेवन ऐसे पावर इट शुड गो इन द हॉर्स पावर का रेशियो एग्जैक्टली सो सवन ऐसे हॉर्स पावर का रेशियो हॉर्स पावर स्नेहा या अंजलि सालिमा आयुष राजकुमार आचल परफेक्ट तो ये हॉर्स पावर के रेशियो में जाएगा तो सिंपल है सर एक बार वापस टाइप कर लेते हैं सर एक लाख साठ हजार और हॉर्स पावर एट हंड्रेड है तो वन लाख सिक्सटी थाउजेंड डिवाइडेड बाई एट हंड्रेड इंटू इंटू डिवाइडेड सर इक्वल टू ये अभी आप ये कर गया। अभी ये आप बच्चों का रेशो एक लाख रुपए का किस रेशो में जाएगा सर कैंटीन का जो खर्चा है वो नंबर ऑफ वर्कर पे डिपेंड करता है जितने लोग रहेंगे उतना खाना खाने का खर्चा आएगा इधर से ट्वेंटी लोग है सर इधर से बीस ट्वेंटी लोग फिफ्टीन है sir, तो ए डिपार्टमेंट में ज्यादा लोगे तो ज्यादा खाने ज्यादा प्लेट्स यूज होंगे शादी में भी ऐसा होता है के में कर का खर्चा, और ये करने के बाद ये खर्चा आपको इधर से लेस करना होता है और वो रेशे में डिवाइड करना होता है एंड देन जस्ट टेक द टोटल एंड आफ्टर टेकिंग द टोटल जो आपका आंसर आ गया ये हो गया आपका आंसर मुझे बता दीजिए अगर आप इस क्वेश्चन से कंफर्टेबल हो तो हम आगे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं इस क्वेश्चन में एक ही चीज था सर्विस डिपार्टमेंट खाली प्रोडक्शन को ही सर्विस देते हैं ये तीन को वापस टाइम कीपिंग ऊपर के तीन को सर्विस देता है कैंटीन भी ऊपर के तीन को क्या ये सारे तो दिस वॉज द केस हेलो ये बता दीजिए इफ दिस इज क्लियर हम आगे बढ़ते हैं दिस इज फर्स्ट पार्ट इज दिस क्वेश्चन नंबर वन ये क्लियर है अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं यस yes, सर एक बार बोल दीजिए आई विल कम टू नो कि आपको समझ में आ गया है ओके परफेक्ट सुनिए यस सर मोहित अंजलि परफेक्ट तो चलिए अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं सर यहां से आगे ये चैप्टर में बहुत लोगों को डाउट होता है ध्यान से सुनिए अब सर दूसरी चीज ओके okay, एक बार और लोग कौन कौन हैं सालिमा आंचल राजकुमार आयुष नेहा स्मार्ट स्टडी राजकुमार या परफेक्ट राजकुमार चेक कर रहे हैं ओके okay, समझाना वैसे बड़ा आंसर तो मतलब आई होप यू गॉट द पॉइंट किसी को डाउट है तो बताओ कि ये सर डिवाइड वाला नहीं समझा मतलब अभी अभी चलो हम अभी से आगे बढ़ते हैं सुनिएगा uh, कभी कभी वीडियो पीछे रहता है ऑलवेज टू एक्स पे लेकर आने का सो दैट यू विल बी लाइव ओके अंडरस्टैंड सर एक चीज रीअपोर्शनमेंट में देखो कैसे होता है मैं अगर आपको एक ऐसा बोलूं बस समझते जाओ ए है बी है सी है और डी है मान लो ये प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट है और ये सर्विस वाला देखो अभी क्या क्या हो सकता है ध्यान से एक ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट सॉरी सर्विस वाला डिपार्टमेंट खाली इसको ही सर्विस देता है और अगेन ये डॉक्टर वाला भी खाली इसको ही सर्विस देता है ए एंड बी को कैंटीन से जो भी खर्चा होता है वो ए बी में जाएगा डॉक्टर वाले के हॉस्पिटल का जो भी खर्चा जाएगा वो ए बी में जाएगा इस मेथड को एक नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है डायरेक्ट मेथड हाँ सर ये समझ में आता है अभी जो हमने किया क्वेश्चन सर दूसरा सर दूसरे में क्या हो सकता है दूसरे में देखो ऐसा हो सकता है सर दूसरे में सर दूसरे में ऐसा हो सकता है कि आपका कैंटीन वाला है ना कैंटीन वाला ए और बी कोई सर्विस देता है मतलब हमारे डॉक्टर वाले डिपार्टमेंट है ना वो घर से टिफिन लाते हैं वो लोग कभी कैंटीन में खाना खाने नहीं जाते कैंटीन का खर्चा खाली दो ही लोगों के लिए होता है कैंटीन का खर्चा खाली दो ही लोगों के लिए होता है एक होता है ए के लिए एक होता है बी के लिए बस जो मैन्युफैक्चरिंग और एक डॉक्टर थोड़े, थोड़े दयावान है तो अगर कभी बीमार पड़े ना तो डॉक्टर भी भी पड़ जाते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर वाले आ जाओ भाई बाहर जाने की जरूरत नहीं है आ जाओ इट मीन अगर आप नोटिस करोगे तो ए वाला भी डॉक्टर के पास जाएगा बी वाला भी जाएगा एंड कैंटीन वाला भी जाएगा इट मीन अब इसमें ऐसा हो रहा है डॉक्टर वाला डिपार्टमेंट तीन लोग को सर्विस दे रहा है ए और बी को भी दे रहा है और कैंटीन को भी दे रहा है बट कैंटीन वाला नहीं बोलता है खाना तुमको नहीं मिलेगा खाना तुम बाहर से खाने का किसको बोलता है डॉक्टर वाले को को कैंटीन वाला दो ही लोग को सर्विस देता है say, है इट आई कैन से यहां ऐसा बोला जाता एक डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस दे रहा है बट नॉट अ अर्षाइस वर्षा नहीं बोला वर्षा क्या पता समझता है नॉट अ एक दूसरे को सर्विस देता है बट दूसरा पहले को सर्विस नहीं देता ओके So, देखो यहाँ पे दैट इज your second क्वेश्चन कि एक डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस दे रहा है बट दूसरा पहले को नहीं देता चलो ये रफ में सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू अगेन फ्रॉम द मॉड्यूल एग्जैक्ट क्वेश्चन थोड़ा solve कर लेते हैं थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा अभी सुनो सर हमारे पास डिपार्टमेंट है ए बी अच्छा ध्यान से थोड़ा ध्यान से लिखते जाओ रफ में ऐसे सर डिपार्टमेंट ए बी और उसके अरे सॉरी लिखते जाओ ए बी ये मेरे कौन से डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन मेरी आदत है पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लिखना तो पहले है ए और बी जो मेरे प्रोडक्शन है एंड एक्स एंड वाई ये मेरे सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स और वाई तो प्लीज पे अटेंशन ए एंड बी आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सोल्यूशन आप बाद में फेयर में बता सकते हो अब आप समझने पर ध्यान दीजिए और यह है सर्विस डिपार्टमेंट या इट इज इलेट्रेशन नंबर टू क्या बात है अब इसमें मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया था शायद अभी मुझे जहां तक याद है ठीक है इज इज नंबर नंबर नाउ दिस टू ओके okay. सर इसमें डिपार्टमेंट एक्स पहले मैंने ए बी लिखा है फिर एक्स वाई लिखा है अच्छा खर्चा एट टाइम थोड़ा सा ध्यान से पहले एक्स वाई का दिया है तो इधर टू लैक्स लिख दीजिए इधर टू लैक्स लिख दीजिए देन इधर लिख दीजिए वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ए बी में तो ए का खर्चा है थ्री लैक्स एंड देन बी का खर्चा है थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड परफेक्ट सर ये मेरा हो गया ओवरहेड जो दिया गया था टोटल okay, लेकिन अभी करते कुछ तो सीन होएगा हो देखो अभी हमें वापस ये ही करना है statement, apportioning, service का कहां है का खर्चा पे लेके जाना प्रोडक्शन में ऊपर सर थोड़ा समझा दीजिए देखो आपको समझ आएगा अभी अभी मैंने बोला था एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस देता है बट दूसरा पहले को नहीं देता

कहीं से भी शुरू करो चलेगा आई विल ऑलवेज स्टार्ट विद दिस जो जहां पे ज्यादा परसेंटेजेस दिख रहे तो मैं एक्स से शुरू करेगा एक्स ओके okay, सुनो अब मैं क्या करेगा डिपार्टमेंट एक्स का यहाँ पे एक एक और कॉलम बनता है देखो अब मैं क्या करेगा मेरा डिपार्टमेंट एक्स का दो लाख का खर्चा है ये दो लाख का खर्चा हमें बोलेगा भाई ये किसके लिए किया जा रहा है वहां पर लेके जा तो सर वो बोलते हैं ए और बी के लिए फोर्टी परसेंट देखो ए और बी के लिए फोर्टी एंड थर्टी फाइव ए और बी पहले ए और बी का ना तो फोर्टी थर्टी फाइव ये प्लीज डेटा थोड़ा अलग से दिया है फिर वो खुद को तो सर्विस नहीं देगा और बाद में वो वाई को कितना सर्विस दे रहा है ट्वेंटी फाइव मतलब दो लाख का खर्चा इस रेशियो में जाना चाहिए फोर्टी प्लस थर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी ये टोटल तो कैल्सिप कैसे करने का टू लाख डिवाइडेड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ओके फोर्टी इक्वल टू मुझे इसका आंसर चाहिए बी का आंसर चाहिए बी का आंसर आपसे चाहिए आई विल कम टू नो आपको आ रहा है बी का आंसर चैट बॉक्स में भेजिए बी का आंसर चैट बॉक्स में भेजिए आई एम वेटिंग फॉर यू आई विल कम टू नो कि तुम को समझ रहा है इफ यू आर सेंडिंग द आंसर दैट वुड बी द इंडिकेशन बी का आंसर कितना आएगा लग रहा है मैं अकेला ही सॉल्व कर रहा हूं आंसर तो भेज नहीं रहे हो तुम लोग भेजो भाई भेजो या yeah, सेवेंटी

अंडरस्टैंड अब ये टू का खर्चा किस में जाएगा ए और बी में ही जाएगा खाली टेंशन नहीं है बिकॉज़ like सर्विस दे रहा है एक्स वाई को सर्विस तो चलो अब ये दो लाख का खर्चा अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो फोर्टी सिक्सटी प्लीज एक लाख पचास को डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट मत करना दो लाख को बिकॉज उसने जो सर्विस एक्स से है वो भी तो ऐड करना पड़ेगा अभी दो लाख का खर्चा हो गया वाई के अंदर अब ये खर्चा जाएगा 40 to 60 के में क्या ही है ये तो दो लाख इधर से लेस कर दीजिए एंड एंड लैख ट्वेंटी थाउजेंड एंड टेक टोटल यू विल गेट दिस खर्चा नहीं लो जाएगा सो थ्री लाख प्लस एटी प्लस एटी परफेक्ट दैट इज राइट आंसर मनमीत ट फोर लैख सिक्सटी थाउजेंड चलिए थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड प्लसेंड प्लसेंड एंड आई दैट इज वेरी मच क्लियर बस यही करने बोला था मी क्रॉस चेक द्वेश्चन नंबर टू 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 या फोर लैख सिक्स एंड फाइव लैख टेन थाउजेंड यह क्वेश्चन अपना हो जाता है

थोड़ा अच्छा फील होएगा, फिर आगे बढ़ते सुनिए हम्म क्वेश्चन नंबर थ्री लेट अस अंडरस्टैंड सुनिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसमें बहुत सारा डेटा है एक बार फटाफट फड़ पढ़ लेते हैं कि हाँ सर ये ये डेटा दिया गया है फटाफट फड़ से चलो तो सर इसमें पहले बोला क्या पहले पढ़ लेते यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्केड्यूल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट टू द फोर सर्विस डिपार्टमेंट टू थ्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छा फोर सर्विस डिपार्टमेंट और थ्री सर्विस डिपार्टमेंट है ठीक है सुनो

क्या बात है या आयुष ना ये कंपनी का ये सब टाइम पास है ये है ना अपना वही मेथड है, है, है सर्विस देगा बट दूसरा पहले को नहीं देगा याद रखना पहला दूसरे को देगा लेकिन दूसरा पहले को सर्विस नहीं देगा ओके नाउ अंडरस्टैंड ओके सो यहां पर अभी मैं लिख देता हूं कितने डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन के अंदर एक्स वाई जेड है और सर्विस के अंदर पी क्यू आर एस है तो चलो मैं ऐसा लिख देता हूं प्रोडक्शन uh, के अंदर डिपार्टमेंट है ए बी सी एंड सर्विस के अंदर है एक्स सॉरी पी क्यू आर एस अरे रुको रुको गलती हो गई प्रोडक्शन uh, के अंदर वाई जेड और इसके अंदर है पी क्यू आर एस चलो सुनाओ so

देन 75,000, फाइव थाउजेंड वन लैक फाइव थाउजेंड एंड थर्टी थाउजेंड पर डिस्ट्रीब्यूट करना है और मेथड स्टेप लैडर मतलब पहला दूसरे को सर्विस देगा लेकिन दूसरा कभी भी पहले को नहीं देगा याद रखना इट मीन अगर मैं बोलू तो पी है ना सबको सर्विस दे रहा है क्यू को भी आर को भी एस को भी लेकिन क्यू जो है वो पी को सर्विस नहीं दे रहा वो उनके आगे वाले चलो मैं सॉल्व करवाता हूं आपको समझ में आ जाएगा चलो स्टार्ट वन बाई वन सबसे पहले क्वेश्चन पे आता है तो सर क्वेश्चन में क्या सीन है देखिए क्वेश्चन में जो पी का खर्चा है वो कौन से रेशो में जाना चाहिए अगर मैं खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करूं पी क्यू आर एस का तो किस रेशो में जाना चाहिए तो सर पी का खर्चा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में जाना चाहिए अभी थोड़ा सा ध्यान से सर इधर गड़बड़ करेगा तुम लोग पक्का पक्का एकदम ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं हमारा खर्चा किस रेशो में जाना चाहिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो सर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं इफ आई सी दिस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इधर हंड्रेड है वन ट्वेंटी फाइव इधर एटी फाइव खाली पी के निकाल दो अरे बिकॉज पी का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करना है ना पी में थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पी के अलावा जितने भी नंबर ऑफ उनको सर्विस पी दे रहा है राइट तो हंड्रेड प्लस वन ट्वेंटी फाइव प्लस एटी फाइव प्लस फिफ्टी प्लस फोर्टी प्लस फिफ्टी टोटल फोर फिफ्टी एंप्लॉज आर देर एक्सक्लूडिंग पी के एम्प्लॉय हेलो बिकॉज पी सर्विस दे रहा है तो पी का हटा दो पी बोलेगा मैं पी के अंदर दस लोग है जो सबको सर्विस दे रहे तो पी बोलेगा हम दस लोग टोटल फोर फिफ्टी लोगों को सर्विस दे रहे हैं तो सर पी का खर्चा कितना है पी का खर्चा फोर्टी फाइव तो मुझे बताओ का खर्चा कितने के लिए हो रहा फोर फिफ्टी एम्प्लॉयज के लिए हो रहा है डू यू अंडरस्टैंड दिस पी का खर्चा फोर्टी फाइव थाउजेंड तो कैल्सिपे कैसे करने का फोर्टी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाई फोर फिफ्टी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई फोर्टी फाइव थाउजेंड का खर्चा

ध्यान से मुझे बताओ अभी इस बार क्यू का खर्चा देखो किधर किधर जाएगा वो एक्स में भी जाएगा वाई में भी जाएगा जेड में भी जाएगा वो तो ऑब्वियसली हर एक का खर्चा एक्स वाई जेड में जाएगा बिकॉज प्राइमरी पर्पज ऑफ हैविंग सर्विस डिपार्टमेंट इज टू गिव सर्विस टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो आपका सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा सब में जाएगा लेकिन सर अभी ये जो क्यू का खर्चा ये तीनों में तो जाएगा लेकिन अभी क्यू का खर्चा है ना ये पी में नहीं जाएगा स्टेप लैडर है दूसरा डिपार्टमेंट पहले को सर्विस नहीं देगा हालांकि दे तो नहीं देगा और वो पी को भी नहीं दे रहा है तो दो लोग को कट करना है सबसे पहले क्यू किस बेसिस पे जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय मुझे पता ना हा? नहीं समझा तो दिस दिस क्वेश्चन केम इन एग्जामिनेशन ये आया था एग्जाम में अब देखो मैं क्या बोलता है क्यू का खर्चा है सेवेंटी और ये जाएगा लेबर आवर्स में और लेबर आवर्स किधर दिए गए हैं इधर किसके कट करने के क्यू एक तो खुद को सर्विस नहीं देगा और अपने पहले वाले डिपार्टमेंट को नहीं देगा दैट इज़ मेथड नाउ सर यू आर स्मार्ट या पूजा थैंक यू सो मच चलो sir, में नहीं परफेक्ट देविच एग्जैक्टली अब आप करिएगा टोटल सर फोर थाउजेंड थ्री थाउजेंड फोर थाउजेंड प्लस सिक्स थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड टोटल ट्वेंटी थाउजेंड देखो क्या कुछ ऐसा आया <coughs>

ओके देन सर चार हजार इक्वल टू चार हजार इक्वल टू पंद्रह हज़ार इधर पंद्रह हज़ार आ जाए एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने टोटल चार हजार इक्वल टू रुको क्या किया ऐसा कि आंसर अलग दिख रहा है सेवेंटी फाइव थाउजेंड का खर्चा है डिवाइडेड बाय ट्वेंटी थाउजेंड इंटू इन फोर थाउजेंड इक्वल टू हाँ फिफ्टीन थाउजेंड आ जाएगा ओके सो हियर एक सेकेंड हाँ सिक्सटीन आ रहा है ना सिक्सटीन ट्वेल्व तो मैं क्या कर रहा हूँ उजटी थाउजेंड इंटू इंटू फोर आई अंडरस्टूड आई आई वाज जस्ट मेकिंग वन मिस्टेक अंडरस्टूड सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट ओके तो दैट मिस्टेक कैन बी डन हा एग्जैक्टली देवेश आई जस्ट फॉरगॉट दैट ये खर्चा एटी थाउजेंड आ जाएगा ठीक है चलो परफेक्ट आई जस्ट मेड दैट मिस्टेक ध्यान दीजिए कि क्यू का खर्चा क्या है जो उसका खुद का खर्चा है प्लस समथिंग इट इज टेकिंग फ्रॉम पी दैट ये यहां से करने के चक्कर में वो भूल गया उधर लिखने, लिखने करने गए ओके ठीक है अभी एटी थाउजेंड का खर्चा कहने से आपको आ जाएगा अभी एटी थाउजेंड इधर से लेस कर देने का और एटी थाउजेंड इधर से लेस करने के बाद वापस

देखो आर का खर्चा है ना एक्स वाई जेड में जाएगा ही जाएगा उसमें प्रॉब्लम नहीं है एक्स वाई जेड के अलावा कहां पे जाएगा आर का खर्चा एक्स वाई जेड में तो जाएगा ही जाएगा उसके अलावा किधर जाएगा आर का खर्चा एक्स वाई जेड के अलावा सर किधर ट्रांसफर करने का पी क्यू आर एस में से आर का खुद का नाम तो नहीं आएगा खुद को सर्विस नहीं देंगे हम लोग बोलेंगे बोलो तो आर का खर्चा यस ओनली एस परफेक्ट एग्जैक्टली एकदम परफेक्ट जो भी बोला आपने एकदम परफेक्ट बोला आता है मतलब तुमको ऐसा लगता है सब कुछ अच्छे से सुनो नाउ सर एरिया में जाएगा एरिया एरिया आर तो सर एरिया बोले तो किसका एरिया कट करने का खुद का आर का कट करने का और ऊपर वाले दो कट कर देने का बिकॉज वो ऊपर वालों को थोड़ी सर्विस देगा अब आर का जो भी खर्चा वन लैख थर्टी थ्री थाउजेंड आया है जो हमने इधर लिखा है वन थर्टी थ्री थाउजेंड ये वन थर्टी थ्री थाउजेंड का खर्चा आपको डिवाइड कर देना है इस रेशियो में दिस 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 हो जाएगा आपसे आई थिंक दैट इज मैनेजेबल ये आप, आप आराम से कर लोगे मैनेजेबलोगे इसके बाद थोड़ा और आगे जाते हैं एस का खर्चा एस का खर्चा लेबर आवर्स में जाएगा लेकिन अब जब लेबर आवर्स लोगे ना तो ये कुछ भी नहीं लोगे एक तो इसको कट करोगे खुद को कि खुद को सर्विस नहीं देगा एस और अपने ऊपर वाले को भी नहीं देगा ये खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही देगा तो एस का जो भी टोटल खर्चा आएगा यहां पे ऐड करने के बाद एक टोटल वो आपको खाली एक्स वाई जेड में भेज देना है आपका एस का जो भी खर्च आएगा कह रहे दिस क्वेश्चन इज डन आप घर पे एक बार देख लोगे तो इजीली हो जाएगा वी हैव द सॉल्यूशंस देखो सॉल्यूशन कुछ ऐसा दिखेगा एंड आई थिंक दैट इज मैनेजेबल मतलब खर्चा ऐसे डिवाइड वगैरह होगा हो जाएगा मतलब आराम से राइट वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन यस सर नाउ चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अभी ध्यान से देखिए हमने कितने क्वेश्चन किए सर सर हमने तीन क्वेश्चन किए पहला क्वेश्चन था डायरेक्ट मेथड सेकंड क्वेश्चन था आपका स्टेप लेटर मेथड, इन इवन थर्ड क्वेश्चन एक सेकेंड ये पेन को कभी कभी क्या हो जाता है पता नहीं मे बी वैपन्स आई डोंट नो ना इन विच रेश अंजलि दैट इज गिवन ना इन विच रेशियो ये दिया गया ना ओवरहेड्स के लिए रुको ये क्लिक क्यों नहीं होता हाँ डायरेक्ट लेबर के रेशियो में एस का खर्चा और रेशियो मतलब खाली यही आएगा फोर थाउजेंड थ्री थाउजेंड फोर थाउजेंड बस इतना ही आएगा बिकॉज एस खुद को सर्विस नहीं देता और ऊपर वालों को भी नहीं देगा बिकॉज इट इज स्टेप लैडर मेथड पहला दूसरे को सर्विस देगा दूसरा पहले वाले को नहीं देगा ओके परफेक्ट आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर नाउ सर अब हम यहां से बढ़ते हैं आगे ओके क्वेश्चन नंबर फोर खतरनाक खतरनाक मतलब एक तरीके से अभी हम थर्ड मेथड पे आ रहे हैं वेरी कंफ्यूजिंग एकदम ध्यान से लेकिन हो जाएगा सर एकदम ध्यान से सुनिएगा हो जाएगा अब हम कहां पे आ रहे हैं देखो पहला ऐसा था कि सर कैंटीन वाला खाली ये दोनों को ही सर्विस देता है डॉक्टर वाला भी खाली ये दोनों को ही सर्विस देता है फिर हमने एक ऐसा मेथड किया डायरेक्ट मेथड के बाद सर एक किया हमने स्टेप लैडर दूसरा मेथड का नाम है स्टेप लैडर या तो वी से की रेसिप्रोकल मेथड नॉन रेसिप्रोकल मेथड स्टेप लैडर मतलब हमेशा पहला वाला है ना पहला वाला डिपार्टमेंट इसमें ऐसा होगा कि कैंटीन है और डॉक्टर है और ये ए बी है तो ए आपका सबको सर्विस देगा ए बी को ए को भी बी को भी और डी को भी लेकिन डी है ना वो खाली ए और बी को ही देगा इफ देर इज एनी अदर डिपार्टमेंट तो उसको उसके बाद वाले को देगा स्टेप लैंडर कि पी ओके दैट इज वॉट वी हैव डन कैसे करने का सर उसमें उसमें दो क्वेश्चन हैं क्या उसमें दो क्वेश्चन है अच्छा सुनो दूसरा काफी पहला पार्ट तो हमने कर लिया क्वेश्चन ही ओवरहेड रिकवरी रेट पर आवर सिंपल है आपका जो भी खर्चा आया है ना जो भी आपका खर्चा देखो यहां पे आपका जो भी खर्चा आया है सब कुछ करने के बाद जस्ट टेक द टोटल जस्ट टेक द टोटल तो आपको टोटल ओवरहेड आ गया अब अपने को लेबर आवर का रेट निकालने का है तो डिवाइडेड बाई लेबर आवर्स अगर मैं लेबर आवर्स देखू लेबर आवर का पर आवर का रेट चाहिए तो एक्सवाइज के लेबर आवर्स कितने है? अगर आप देखोगे रुको हाँ। ये क्या ऐसा हो रहा है हाँ सो दैट इज फोर थाउजेंड इज थ्री थाउजेंड एंड देउजेंड एक सेकेंड हा सो आई होप That is something that is understandable, ये वाला है, अब यह आपको इसको डिवाइड कर देना है, बस आपका जो भी आंसर आया था ना देखो यहाँ पेबर आवर सेबल है आई होम दैट इज क्लियर ओके चलो ना अभी हम यहां से आगे जाते हैं ये क्यों ऐसा होता है यार देखते हैं या तो चेंज करना पड़ेगा हमें ओके इसके बाद अगर हम यहां से आगे जाएंगे ओवरहेड के बाद अभी हम जाएंगे फोर्थ पार्ट सर पे डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस देंगे all, अगर मैं बोलता हूं डिपार्टमेंट ऐसा है देखो ए है बी है सी है और डी है यह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और यह सर्विस डिपार्टमेंट है तो सर अभी इधर क्या होगा देखो अभी इधर कुछ ऐसा होने वाला है सर सर इसका खर्चा है ना इसका खर्चा इसका खर्चा इधर से लेस तो होगा और ये दो जगह पे आएगा और इधर भी आएगा लेकिन सर फिर आप टोटल कर दोगे फिर आप ये टोटल कर दोगे कि सर डॉक्टर का खर्चा इतना है अब इस बार ये इधर से लेस होगा पहले क्या हो रहा था खाली वो ए और बी में जा रहा था इट इज वॉट लाइक स्टेप लैडर मेथड ऐसा बन रहा था स्टेप बन रहे थे लेकिन अभी ऐसा नहीं अभी रेसिप्रोकल प्रोकल है मैं बोलता हूं अगर सी डी को सर्विस देता है तो डी सी को भी सर्विस देता है मतलब डॉक्टर का भी खर्चा डॉक्टर का खाने पीने का डॉक्टर का जो भी खर्चा होता है पेशेंट्स का वो बोलेगा ए के लिए कितना बी के लिए कितना सी के लिए कितना देन इससे क्या हो जाएगा ये वैल्यू तो नील हो गई लेकिन सर इधर कुछ तो खर्चा आया है देखो अभी नया वाला अभी नया वाला खर्चा भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा लेकिन अब आप इसको भी जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे डू तो यू अंडरस्टैंड इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो थोड़ा सा पार्ट इधर आ जाएगा फिर वापस इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये थोड़ा इधर मतलब ये चलते रहेगा अब इसको कैसे सॉल्व करना है अस सी दिस से साइकिल चलेगा हाँ अब थ्री साइकिल तक करना होता है या तो एक शॉर्टकट भी होता है क्वेश्चन ओके okay. देखो सो अस डू द क्वेश्चन अंडरस्टैंड अभी हम आएंगे क्वेश्चन नंबर फोर पे लेट अस डू दैट क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड दिस ओके प्रोडक्शन में दो डिपार्टमेंट हैं ए और बी और सर्विस में दो डिपार्टमेंट हैं बी एंड पी चलो देखते हैं तो डिपार्टमेंट ए एंड बी एंड बी एंड पी चलो यहां पे देखिए अगेन मॉड्यूल में सर ये किधर है अरे सुनो यार डिपार्टमेंट का नाम गलत लिख दिया हां बॉयलर हाउस एंड पंप तो बॉयलर एंड पंप रूम है ये बॉयलर एक बॉयलर करके हैं देखो सुनो बॉयलर और पंप रूम करके है ठीक है नाउ अंडरस्टैंड सर इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा सर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये सर्विस चलो लेट अस रीड द क्वेश्चन तो सर पता चलेगा ये ये डेटा है और हमें क्या करना है चलिए पढ़ना शुरू करते हैं आइडिया आते जाएगा चलो सर लेट्स रीड द क्वेश्चन अच्छा आई रीड द क्वेश्चन सर इधर खर्चा दिया गया है इसका तीन लाख है किसका सर बॉयलर हाउस का सर बॉयलर हाउस के अलावा आपका पंप रूम का खर्चा कितना है सिक्सटी थाउजेंड है डन सर तो इधर आपका तीन लाख का खर्चा है लिख दिया यस yes, सर हाँ आ, पुनिया विल डू दैट जल्दी ही करेंगे टुडे आई एम प्लानिंग दैट एक बार कर लेते हैं पहले अभी पढ़ लेते हैं चलो देखो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर थ्री

कुछ तो होगा पर दिया नहीं है ठीक है हम देख लेंगे कैसे क्या होगा कुछ तो होगा अभी तक दिया नहीं है मुझे इतना पता तो बॉयलर हाउस है ना हाउस बॉयलर हाउस बोलता है मैं, मेरा थर्टी फाइव परसेंट सर्विस बी को देता है एंड फाइव परसेंट सर्विस पंप रूम को देता है ओके फिर पंप रूम क्या बोलता है सर मेरा जो भी खर्चा होता है ना पंप रूम बोलता है उसमें से अगर मैं हंड्रेड रुपीज का खर्चा करूं तो मैं दस रुपए का खर्चा एक के लिए करता हूं एक के लिए करता हूं चालीस का खर्चा बी के लिए करता हूं और पचास मतलब आधा सर्विस तो मैं बॉयलर हाउस को देता हूं पंप रूम बोलता है ओके तो अब एक दूसरे को सर्विस दिया जा रहा है अगर आप नोटिस करोगे तो ये इसको भी सर्विस दे रहा है बॉयलर हाउस इसको भी सर्विस दे रहा है और पंप रूम बॉयलर हाउस को भी सर्विस दे रहा है

इतना झंझट ना करना हो तो सर अच्छा सुनो अब हम क्या करेंगे बॉयलर का का आपको आपको डिवाइड डिवाइड करना करना होगा और करना होगा और भी एंड ऐसा कुछ हो जाएगा कि आंसर नील हो जाएंगे और आपको एक्स वाई का आंसर जो आना चाहिए वो आ जाएगा देखते हैं कैसे अभी सुनना अभी ना एक यूज देखो फिर यहाँ पे आपका टोटल ओवर आ जा जाता है तो एक लेट्स अज्यूम लेट सी दिसम दैट अ टोटल ओवरहेड ऑफ बॉयलर इज इक्वल टू कितना एंड पंप रूम इज इक्वल टू कितना देखो तो मैं क्या बोलता हूं बॉयलर का खर्चा अस अज्यूम बॉयलर वाले का हम एक्स uh, मान लेते हैं या बी मान लेते हैं जैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो चलो एक्स और वाई मान के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री राइट नहीं वी आर डूइंग आई थिंक क्वेश्चन नंबर ओके तो चलो इसको डूंगी मान लेते हैं इट इज बी एंड इट इज पी इसको ऑफ टोटल ओवर इट इसको B मान लिया और इसको पी मान लिया तो सुनो नाउ बी इज इक्वल टू क्या बॉयलर हाउस का टोटल खर्चा क्या रहेगा सर बॉयलर हाउस का खर्चा टोटल रहेगा जो पहले उसने खुद नहीं किया है विच इज थ्री लैख ऐसा वो बोलेगा प्लस प्लस द सर्विस विच इट इज टेकिंग देखो बॉयलर का खर्चा टोटल तीन लाख है और पंप रूम का खर्चा कितना है ध्यान से सिक्सटी थाउजेंड है इधर मिस्टेक मत करना प्लस प्लस मुझे बताओ ध्यान से ये टेबल देख के बॉयलर हाउस पंप रूम से या तो सुनो ध्यान से बॉयलर हाउस का खुद का खर्चा तीन लाख है प्लस बॉयलर हाउस पंप रूम से कितना सर्विस लेता है मतलब पंप रूम का जितना भी खर्चा होगा हाउस पे कितना आएगा पंप रूम का खर्चा हमने पी माना है वैसे सर टीचिंग ग्रेट या बादल थैंक यू सो मच अगेन फॉर द कमेंट अभी सुनो मैं क्या बोलता हूं सुनो मैं ध्यान से बोलता हूं यहां पे बहुत लोगों का मिस्टेक होता है हद से ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं तो एकदम ध्यान से जो चीज मैं बोल रहा हूं एकदम ध्यान से बॉयलर हाउस बोलेगा देखो फाइव परसेंट नहीं लेने का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा पंप रूम का जितना भी खर्चा होगा उसका टेन परसेंट एम ए जाएगा फिर उसका फोर्टी परसेंट इधर जाएगा देखो आपको अगर डाउट है ना तो आप ऐसे लिख दो दैट इज बेस्ट दैट इज दी इज इक्वल टू एन पी इज इक्वल तो इक्वेशन में देखो कैसे आएगा इट इज गोइंग टू बी ये बोलेगा मेरा खुद का खर्चा तीन लाख है और मेरा खुद का ये पंप रूम का खुद का खर्चा कितना है सिक्सटी थाउजेंड है तो हम बोलेंगे प्लस प्लस जब बॉयलर हाउस अपना खर्चा डिवाइड करेगा और इधर भेजेगा तो कितना भेजेगा तो बॉयलर हाउस बोलेगा फिफ्टी परसेंट खर्चा मैं इसके लिए कर रहा हूं लेकिन सर बॉयलर हाउस का खर्चा सिक्सटी थाउजेंड है क्या नहीं उसका खर्चा है समथिंग विच टेक्स इट टेक्स फ्रॉम पी ऑल्सो तो देखो इक्वेशन क्या बनेगा ध्यान से नहीं समझा तो बोलना रिपीट अगेन पंप रूम का जितना भी खर्चा होता है जिसको हमने पी माना है उसमें से 15 50% परसेंट खर्चा बॉयलर हाउस के लिए होता है तो इट इज गोइंग टू बी 50% परसेंट ऑफ पी मतलब बी का खर्चा जो है बॉयलर हाउस का वो तीन लाख खुद का खर्चा प्लस द सर्विसेस विच इट इज टेकिंग फ्रॉम पी एंड पी का जितना भी खर्चा सर्विस वो वहां से ले रहा है प्लस अगर मैं पंप पंप रूम रूम की बात करूं बोलेगा मेरा साठ हजार है प्लस मैं सर्विसेज किससे लेता हूं बॉयलर हाउस से और बॉयलर हाउस जितना भी सर्विस प्रोवाइड करता है फाइव परसेंट सर्विस पंप रूम को प्रोवाइड करता है तो फाइव परसेंट ऑफ बी हो जाएगा क्या तुमको समझे कि नहीं समझे हेलो क्या ये तुमको समझा कि दिमाग के ऊपर से गया या तो लिख देने का देखो तीन लाख लिख दिया फिर उसके नीचे प्लस फिफ्टी परसेंट लिख देने का ऑफ का पी, पी का खर्चा डिवाइड होने वाला है ओके okay. तो इक्वेशन क्या बन जाएगा लाख मतलब 1 50, 1 50, इधर हो जाएगा point, एक सेकेंड वन डिवाइडेड बाई फिफ्टी कितना पॉइंट अरे सॉरी फिफ्टी डिवाइडेड बाई हंड्रेड नॉट अंडरस्टूड चलो मोहित में एक बार वापस समझाता हूं सुनो अगर मैं ऐसा बोलू मैं अगर एक बार समझा देता हूं बोलूंगा खर्चा कितना है? तो बॉयलर हाउस का खर्चा खुद का जो है वो तीन लाख है ओके प्लस okay. जैसे हम ऐसा करते थे ना मान लेते हैं कि रूम का खर्चा साठ हजार है तो साठ हजार का फाइव परसेंट इधर साठ हजार का फिफ्टी परसेंट इधर आ जाएगा तीस हजार

हाँ, आप यथार्थ वो भी होगा रीड द टेबल होरि टू मेक इट इक्वे टू हाँ आप देखो मैं क्या बोल रहा हूं अभी अब ऐसा बोलेगा पंप रूम बोलेगा मेरा खर्चा पी है मेरा खर्चा जितना भी होगा उसमें से इतना इतना इधर जाएगा तो बॉयलर हाउस में कितना जाएगा फिफ्टी परसेंट जाएगा तो ऐसा तो बॉयलर हाउस बोलेगा कि मेरा खर्चा तीन लाख है प्लस जो सर्विस में पी से ले रहा हूं और पी फिफ्टी परसेंट सर्विस देता है तो पी का जितना भी खर्चा है इधर आ जाएगा uh, 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 like बॉयलर हाउस तीन लाख लिखा फिर ये फिफ्टी परसेंट ऑफ ये लिख देने का कि पी का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट होगा इसका जो भी खर्चा लिखा प्लस फाइव परसेंट ऑफ बॉयलर हाउस वैसा कि उसने जो सर्विस वहां से ली या आई दैट इज नाउ

और बॉयलर हाउस सर्विस कितना दे रहा है एक बार वापस बोलो तो देखो यहाँ पे बॉयलर हाउस पंप रूम को 5% सर्विस दे रहा है तो 5 डिवाइडेड बाय 100 5 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.05 डिवाइडेड बाय 100 0.05 बी आ जाएगा बॉयलर हाउस का जितना भी खर्चा है वो 5% सर्विस दे रहा है नाउ क्या पता यहां पे कंफ्यूजन था या फिर ये क्लियर था वैसा है

प्लस ओके। जीरो पॉइंट जीरो फाइव बी विल सॉल्व नाउ इफ आई सोल्व सो बी इज इक्वल टू 3 लाख। ब्रैकेट ओपन करना होता है जब भी आप ब्रैकेट ओपन करते हो उसको दोनों चीजों से मल्टीप्लाई करना होता है तो ब्रैकेट ओपन हो जाता है दैट इज 60,000 थाउजेंड इंटू पॉइंट आ जाएगा प्लस पॉइंट जीरो इंटू पॉइंट

Okay, Ayush, uh thank you so much. Okay, now one minus 0 0.025. That is 0.975 B is equal to thin lakh t and B is equal to 30,000 divided by 0 0.975. You're gonna get three three eight four six two three three eight. फोर सिक्स टू किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिएगा यू विल गेट नाउ वंस यू गेट दिस बी यू कैन इजीली गेट पी पी इज इक्वल टू सिक्सटी थाउजेंड प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव और बी का वैल्यू पता है ये वाला इक्वेशन लिखा और इसमें भी बी का वैल्यू मुझे पता है तो पी इज इक्वल टू थ्री थ्री एट फोर सिक्स टू इन टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव प्लस सिक्सटी थाउजेंड दैट इज सेवन सिक्स नाइन टू देखिएगा आपका आंसर आना चाहिए और आगे देखते हैं Hello. क्या यहां तक की बात आपको clear है बताइए yes, चलो अभी हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यूज को आपको इधर लिख देना है थ्री थ्री एट फोर सिक्स टू ये उसका खुद का खर्चा है और का खर्चा सेवन सिक्स नाइन टू थ्री यस सेवन सिक्स नाइन टू थ्री सेवन सिक्स नाइन ट्वेंटी थ्री और ये खर्चा कौन सी रेशियो में जाएगा तो बॉयलर हाउस के लिए क्या बोला था सिक्सटी थर्टी फाइव फाइव ये आप तो कर लोगे ना अभी बस आपको डिवाइड करने बाद में ये टेन फोर्टी फिफ्टी ये खर्चा टेन 40, 50 में करना है ये आंसर नील हो जाएगा ऑटोमेटिक और यहाँ पे आपके आंसर मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज आनी चाहिए वो आ जाएंगी टोटल होगा नहीं बिकॉज अपने को ए और बी का दिया नहीं है ओके परफेक्ट सो दिस क्वेश्चन इज डन इट इज ऑलमोस्ट वन आवर आफ्टर एवरी वन आवर वी विल टेक थोड़ा दो तीन मिनट का ब्रेक सो so दैट आपका दिमाग एंड uh, तक बैठा रहे बिकॉज जब चीजें फास्ट होती है तो दिमाग थक जल्दी जाता है तो वी कैन टेक ब्रेक गाइज एक छोटा सा ब्रेक रखते है, तीन हैं तीन मिनट का देना माते हैं ठीक है या चलो देखते हैं। Perfect. So, now, understand this? So, यहां तक हो गया है अभी हम यहां से आगे बढ़ेंगे चलिए देखते हैं सो yeah. so, कुछ चीजें हमें क्लियर हो गई है लेट्स प्रोसीड आई होप एवरीबॉडी केन अभी किसी का यस आया नहीं है एक हाथ येस सर लिख दो तो आई विल कम टू नो कि तुम आ गए हो एक छोटा सा रिफ्रेशमेंट लेके सो so दैट वी कैन स्टार्ट अट ओके okay. बताइए बताइए कितना क्या हुआ है बोलो यस सर फेयर इनफ सो एवरीबडी या हर्षदा आचल आयुष दिव्या परफेक्ट सालिमा ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस सर इतना तो हो गया हाँ सर अभी अभी आगे अभी आगे आएंगे दूसरे क्वेश्चन जहां पे अगर आप नोटिस करोगे अभी तक हमने किस चीज पे फोकस किया अभी आ, है अभी तक हमने पे फोकस किया क्वेश्चन नंबर फोर राजकुमार डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते थे लेकिन गिवेन चॉइस आई विल ऑलवेज गो इक्वेशन अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना क्वेश्चन अगर सामने से बोलता है ये मेथड करो तो करने का लेकिन साइलेंट है तो आई ऑलवेज गो एक्स एंड क्वेश्चन से बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर ये वर्ड लिखा गया है तो आपको क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए थ्री साइकिल वाला ही करना पड़ेगा कि इसको भेजा इसको भेजा वैसा सामने से लिख के दिया तो वैसे ही करना पड़ेगा ओके okay? चलो नाउ अंडरस्टैंड दिस अब ये क्वेश्चन देखिएगा ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व बट आई विल टेल यू द प्रोसेस ओके नाउ लेट अस विलोसेसटैंड सुनिए क्वेश्चन नंबर पे आते हैं लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्या होगा करके आपका एक ऐसा देखो टेबल ऐसा कुछ बनेगा क्वेश्चन नंबर फाइव इफ यू हैव द नंबर क्वेश्चन नंबर यू कैन ऑलवेज लेट मी नो क्वेश्चन नंबर फाइव सुनो ऐसा स्टेटमेंट शोइंग ओवर हिट्स बनेगा ऑलवेज एक कॉलम आपका पर्टिकुलर्स का रहेगा एक आपका रहेगा टोटल उसके बाद आपका एक रहेगा बेसिस और बेसिस के बाद डिपेंड करता है कितने डिपार्टमेंट एक बार देख लेता हूं प्रोडक्शन में दो है सर्विस में दो है ओके सो जस्ट एक फॉर्मेट बनाना हो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट एक रहेगा मशीन एक रहेगा पैकिंग एक रहेगा जनरल प्लांट एक रहेगा स्टोर्स एंड मेंटेनेंस ओके okay, सर्विस के अंदर दो सो नाउ ना सी दिस

हम पहले सॉल्व कर रहे हैं ओवरहेड का एक स्टेटमेंट बनाएंगे तो स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ये एक आपका हेडिंग आ जाएगा हाँ ये आने के बाद आपको ये पहले सारे खर्चे कॉपी करने हैं इनडायरेक्ट मटेरियल और ये देखो मैंने यहां पे कॉपी करके रखे आपको बता दू तो देखो सल्यूशन में हाँ देखो ये आपका कॉपी पेस्ट आ गया ये ये पूरा कॉपी पेस्ट है ये अलोकेशन वाला ये देखो ये ज इंटायर थिंग इज कॉपी पेस इज दिस पार्ट देखो ये ये आपके जो खर्चे लोग ने दिए थे मैंने एज इट इज लिख दिए इनडायरेक्ट मटेरियल वगैरह सारे डन तो फॉर्मेट के अंदर पहले तो ये सारी चीजें लिख देने का दूसरा दूसरा क्या सर अब ये खर्चों को अपोर्शन करना है पावर रेंट फ्यूल इंश्योरेंस ट्रेड लाइसेंस एंड डेप्रिसिएशन अब ये कौन से रेशियो में होना चाहिए दैट इज इंपॉर्टेंट ओके इफ हैज बड़ी मॉडल का सॉल्यूशन प्लीज कीप दैट असाइड

चार डिपार्टमेंट है तो आप पैसा ऐसा टाइप करोगे आठ लाख का खर्चा है सॉरी एट थाउजेंड का कितने हॉर्स पावर के लिए फाइव पावर के लिए तो एट थाउजेंड का खर्चाउजेंड सिक्स टू दैट इज एट हंड्रेड देश एंड थाउजेंड इक्वल टू दैट इज सिक्स आई होप यू होने के बाद आप रेंट ये शेड्यूल ही बना दोगे आप अलग से शेड्यूल बना दो चाहिए तो देखो ये आप एक शेड्यूल शेड्यूल ही बना देना, बना देना देना सपोर्टिंग टू शो एंड बेसिस ऑफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन एक अलग से शेड्यूल बना के बता रहा हूं आप कंबाइन भी कर सकते हो एक अलग से शेड्यूल दिखेगा देखो यहाँ पे ये अलग से अपोर्शनमेंट का एक शेड्यूल दिखेगा कि कौन सा खर्चा अभी पावर का जो मैंने अभी आपको बताया फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एट हंड्रेड एंड सिक्सटीन हंड्रेड देखो डैश एंड अच्छा सुनो अब मैं आपको बोलता हूं रेंट तो रेंट कौन से रियशन में जाएगा एरिया तो आपको ये एरिया दट इज चार हजार आठ सौ फोर थाउजेंड एट हंड्रेड इस में आपको डिवाइड कर देना है आई डोंट थिंक दैट इज अ डिफिकल्ट जॉब फ्यूल को थोड़ी देर साइड में रखते हैं अभी इंश्योरेंस पे आता है चलो पहले डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ये मशीनरी का रहेगा एंड इट अपॉन द वैल्यू ऑफ द मशीनरी जितनी महंगी मशीनरी होगी ना सर डिप्रिशिएशन उतना ही ज्यादा लगेगा एक लाख वाला असेट और एक छोटा सा असेट तो एक लाख वाले के ऊपर टेन परसेंट मतलब ज्यादा रहेगा सो इंश्योरेंस जो आपका रहेगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशो में जाएगा आपने कितना इन्वेस्टमेंट किस मशीन पे किया ये वाले रेशो में जाएगा इंश्योरेंस ओके नाउ सॉरी इंश्योरेंस नहीं मैं क्या बोल रहा हूं मैं पहले इंश्योरेंस नहीं अभी मैंने समझाया तो इस में जाएगा इन्वेस्टमेंट के रेशो में जो आप इजीली कर लोगे इज नो प्रॉब्लम विद दैट अच्छा ये होने के बाद इंश्योरेंस होने के बाद अब मैं इसकी बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट uh, होने के बाद चलो पहले इंश्योरेंस की बात करता हूँ सर इंश्योरेंस किस रेशियो में जाएगा इंश्योरेंस दो चीजों का हो सकता है या तो इंप्लॉइज का हो सकता है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और अगर असेट का है दैट इज जो मशीनरीज है तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में जहां ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पे इंश्योरेंस भी रहेगा उसका प्रीमियम लेकिन सर अगर का होता तो वर्ड खाली इंश्योरेंस नहीं होता लाइफ इंश्योरेंस होता तो दिस इज नॉट लाइफ इंश्योरेंस दिस इज इंश्योरेंस ऑफ द ये ये मशीनरी इज इन्वेस्टमेंट दिख रहा है आपको अगर लाइफ इंश्योरेंस होता तो नंबर ऑफ इंप्लाइज में जाता तो ये आपका इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के ही रेशियो में जाएगा प्लीज अंडरस्टैंड देखो मैंने अभी तक क्या किया मैंने पावर को कौन से रेशियो में भेजा मैंने पावर को हॉर्स पावर के रेशियो में भेजा मैंने रेंट को एरिया जो स्क्वायर था उसके रेशो में भेजा और इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन ये मशीनरी का इंश्योरेंस है मशीनरी का डेप्रिसिएशन है लाइफ इंश्योरेंस होता तो एम्प्लॉई का रेशो हम बोलते हैं या नाउ अब दो बचते हैं इसको लेके थोड़ा दिक्कत है अच्छा ये फ्यूल एंड हीट को भी आप बता सकते हो ये होता है ना रेडिएटर सेक्शन जहां पे व्हीकल्स में मशीन में दैट इज रेडिएटर्स होते हैं सो जितना फ्यूल लगेगा उस रेडिएटर सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है

कि जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा वैल्यू लगा है वहां पर ज्यादा हम खर्चा करेंगे करके एनी रेशियो कैन बी डन बट इंस्टीट्यूट हैज डन दैट तो यू नीड टू रिमेंबर स्पेसिफिकली ट्रेड लाइसेंस लाइसेंस मतलब बिजनेस चालू करने से पहले एक लेना पड़ता है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का तो उसका वो खर्चा है तो एक किस रेशो में जाना चाहिए जहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वहां पे ज्यादा खर्चा जाना चाहिए इंस्टीट्यूट ने बोला तो प्लीज ध्यान रखिएगा कुछ दो तीन चीज है ये आपको डिवाइड कर देना है क्या आपको इतना समझा है तो हम आगे बढ़ेंगे यस पाटिल या ऊपर मैसेज लिखा था मैंने अभी नाम पढ़ा तेरा या क्या इतना समझा है एक दो चीज है जहां पे दे डू दैट तो यू हैव हाँ टू तो फॉलो दैट ओके प्लीज लास्ट टाइम मैंने रिपीट आ, पावर आपका हॉर्स पावर में गया रेंट आपका एरिया स्क्वायर फीट में गया देन आपका इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन मशीन का होता था वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में गया एंड देन आपका फ्यूल मतलब आपका रेडिएटर सेक्शंस

अभी जस्ट टेक द टोटल एंड यू गॉट योर आंसर दैट्स टोटल ओवर ये आपको मिल गया है अभी सुनो इसमें एक चीज और बाकी है एक चीज और बाकी है सर क्या बाकी है देखो क्वेश्चन में हमने क्या क्या कर दिया है हमने सर डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट बना दिया अब इंपॉर्टेंट है डिटरमाइन सर्विस डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस का खर्चा भी प्रोडक्शन पे भेजना है अलोकेशन हो गया अपोर्शनमेंट हो गया अलोकेशन डायरेक्टली दे दिया था कॉपी पेस्ट मारा अपॉर्शनमेंट हमने एक रेशियो में डिवाइड करके अपॉर्सनमेंट किया उसके बाद अभी अपना आएगा सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन पे शिफ्ट करना है और ये शिफ्ट करने के लिए क्या बोला गया तीन साइकिल से करने का थ्री साइकिल मतलब एक का खर्चा दूसरे पे भेजने का फिर दूसरे का पहले पे भेजने का वैसे आपको मैथमेटिक्स वाला फॉर्मूला जो सब्सिट्यूशन मेथड था वो यूज नहीं करना है आप सब्सिट्यूशन मेथड यूज नहीं करेंगे बिकॉज सामने से बोला है थ्री साइकिल्स करने का सर थ्री साइकिल्स मतलब देखो आपको ये जो टोटल खर्चा आ गया है ना टोटल खर्चा पहले वाले में देखो ये ये ट्वेंटी थाउजेंड आये ये थर्टी थाउजेंड आए ये सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है ये दो और ये पहला दो प्रोडक्शन वाले का खर्चा है और ये सर्विस वाले का जस्ट कॉपी दैट फर्स्ट देखो यहां पे जस्ट कॉपी दैट फर्स्ट यार ये चलता नहीं है कभी कभी रुको पेन में या तो विल चेंज अकॉर्डिंगली ये ये हमने हमने कॉपी कॉपी कर कर लिया Done, कर लिया जो खर्चा था अभी साइकिल में लेकिन सुनो मुझे क्वेश्चन मी चेक द क्वेश्चन से सुनना प्लांट का खर्चा देखो यहाँ पे लिख के ही दे दिया है कि कौन सा खर्चा किस रेशो में जाएगा एक्सपेंसेस चार्ज टू स्टोर डिपार्टमेंट जो आपका सर्विस डिपार्टमेंट है स्टोर वाला

अभी आपके जो भी ऊपर खर्चा है सबसे पहले चलो आपने इधर से शुरू किया चलो पहले आपने इधर से तो इधर से किधर से 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 भी एक जगह शुरू करना है है स्टार्टेड विद दिस कि मेरा खर्चा किसार्टेड विधायक का खर्चा और ये स्टोर का खर्चा कौन से रेशम में जाएगा क्वेश्चन में दे दिया था to to तो मैंने ये खर्चा इधर अपोर्शन कर दिया फिफ्टीज ट्वेंटी के में। जो आपको पता है कैसे आता है थर्टी डिवाइडेड बाई इसका टोटल कितना आता है हंड्रेड

तो सर ये जो खर्चा है अभी आपका ये ट्वेंटी नाइन थाउजेंड का ये ट्वेंटी टेन uh, और टोटल कितना जाएगा इसका थर्टी फाइव तो ट्वेंटी नाइन थाउजेंड डिवाइड बाई थर्टी फाइव ट्वेंटी नाइन थाउजेंड डिवाइड बाई थर्टी फाइव मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ट्वेंटी इक्वल टू क्या तुमको समझ में आ रहा है देन टेन इक्वल टू एंड देन फाइव इक्वल टू दैट यू विल कॉपी हियर फिर ये वाला खर्चा फिर ये वाला खर्चा कौन से रेशो में जाता है तो स्टोर का खर्चा हमेशा इस रेशो में जाता है ऐसा तीन बार कर देने का और लास्ट में जो होता है ना लास्ट वाला खर्चा लास्ट वाला मतलब ये जो 177 है तीन साइकिल करने का देखो स्टोर जनरल प्लांट एक बार किया अगर आप नोटिस करोगे फिर वापस जनरल प्लांट एक बार किया वापस स्टोर जनरल प्लांट तीसरी बार किया लेकिन जो लास्ट में ये होता है ना ये देखो इसके बाद

यस yes, सर अभी तक कुछ लोगों ने यस yes, सर नहीं भेजा अभी भी कैमरा चैट बॉक्स खराब हो गया इधर हेलो पता नहीं आई दैट इज अंडरस्टूड या नाउ द मैसेजेस आर देयर ओके 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 या अचल हर्षदा स्नेहा मनमित अंजलि या पाटिल सालेमा स्मार्ट स्टडी देवेश आयुष परफेक्ट सर तो नाउ दैट इज अंडरस्टूड राइट अभी आगे बढ़ते हैं सर अब हम इधर से बढ़ते हैं आगे ओके सुनिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स ये तीन साइकिल तक करना था एंड नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स अभी है ना अभी आपको बस ये पता होना चाहिए कि कैसे क्या डिवाइड करना है सुनो अभी चीजें इजी हो जाती है अभी हम सेकंड कैटेगरी के जाए पे जाएंगे उसके बाद सुनना ओके okay. अभी बस आपको एक बार मैं रेशियोज बता दू ना तो आपका काम हो जाएगा चीजें अच्छे से याद रखना बस वो वाली ओके okay? ध्यान से सुनना चलो नाउ लेट अस सी इसको कंप्लीट कर लेते हैं uh, नहीं एट क्वेश्चंस आर देयर नाउ अंडरस्टैंड सो इधर आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स पे सुनना क्वेश्चन नंबर सिक्स भी क्या इंटरेस्टिंग है एकदम इंटरेस्टिंग चीज सुनो मैं एक चीज समझाता हूं वो ध्यान से समझिए ये है आपका डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग वाला हाँ सर यह आपका डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग वाला यह है आपका डिपार्टमेंट असेंबली वाला और उसके बाद एक डिपार्टमेंट है आपका कैंटीन और एक है हॉस्पिटल हां सर ओके देखिएगा अब इसमें कैसा है यह है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर गुड्स बनाता है और यह सर्विस डिपार्टमेंट जिसका काम है सर्विस देना नाउ कैंटीन वाला डिपार्टमेंट ध्यान से समझना डायरेक्ट मटेरियल की बात करते डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर लेटर से हंड्रेड है टू हंड्रेड है थ्री हंड्रेड है फोर हंड्रेड है दोनों मिला के डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर ये दोनों मिला के है है इतना उर्पीस. देखो कैसे ये क्या बोलता हम पेन बनाते हैं देखो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है पेन हम पेन बनाते हैं प्रोड्यूस दैट इज व्हाट वी प्रोड्यूस यहाँ पे प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट का काम है पेन बनाने का जो हम मार्केट में सेल करते हैं पेन बना के तो सर पेन बनाने के लिए यहाँ पे कुछ मेटेरियल लगा रहेगा हाँ सर सर पेन बनाने के लिए कुछ लेबर लगा रहेगा, मटेरियल लगा रहेगा यहाँ पे भी हाँ स्पेयर पार्ट बनाए फिर असेंबल करने के लिए कुछ मटेरियल लगाए वो असेंबली में लगाए वर्कर मैन्युफैक्चरिंग में भी काम करते हैं इधर भी काम करते हैं मुझे बताओ क्या ये आपका ओवरहेड है यस और नो इज दिस योर ओवरहेड यस और नो दिस इज नॉट योर ओवरहेड दिस इज नॉट ओवरहेड और अगर ये ओवरहेड नहीं है ये आपका डायरेक्ट मेटेरियल और डायरेक्ट लेबर है जो कॉस्ट शीट में वहां पे आएगा डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर करके ओवरहेड के स्टेटमेंट में नहीं आएगा स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवरहेड्स में नहीं आएगा ओवरहेड्स का ये स्टेटमेंट बनाया जा रहा है तो ओवरहेड वाले में नहीं आएगा इट मीन हम जब भी लिखेंगे हम प्रोडक्शन के आगे डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर रहेगा ना इधर डैश रहेगा इधर कुछ भी नहीं आएगा इधर कुछ भी नहीं आएगा डैश हो जाएगा लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से कैंटीन वाला बोलता है हमने मटेरियल लाया सर कैंटीन वाला बोलता हैं हमने मटेरियल लाया वेजिटेबल्स लाए हमने खाना बनाने के लिए तो हमारा मटेरियल हो गया सर जिस बंदे ने खाना बनाया वो डायरेक्ट लेबर सर ऐसा कैंटीन वाला बोलता हैं फिर डॉक्टर बोलते हैं हम लोग लेबर लोग हम लोग डॉक्टर हम लोग जो भी मेडिसिन यूज करते हैं वो हमारा मटेरियल हो गया लेकिन क्या ये चीज पेन हमारा मेन प्रोडक्ट है क्या पेन के अंदर अपना फूड जा रहा है क्या नहीं तो ये डिपार्टमेंट बोल रहा है कि वो खाना बनाने का काम करता है तो उसके लिए वो मटेरियल है डायरेक्ट लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वही डायरेक्ट डायरेक्टमेंटल होगा जो पेन के अंदर जाएगा और पेन के अंदर तो खाना नहीं जा रहा तो इट इज इनडायरेक्ट मटीरियल एंड इफ इट इज इनडायरेक्ट इनडायरेक्टमेंटरियल इट मीन इट इज ओवर बिकॉज इट इज ओवर वैल्यू विल विर इन द स्टेटमेंट थ्री हंड्रेड एंड फोर हंड्रेड क्या लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ तो बाई हार्ट कर लेने का कभी भी क्वेश्चन में मेटेरियल लेबर दिया हो प्रोडक्शन में नहीं लिखने का खाली सर्विस में लिखने का बट आई ट्राइड टू गिव यू द लॉजिक आई होप इफ द लॉजिक इज क्लियर that is well and good you can always like the video and if it is already liked so no worries about that yes sir yeah achal okay kya okay. dusre log wapas samjhao ki lo nahi logic clear hua aapko ya wapas samjhana padega i am saying ki canteen wala khana banata hai to uske hisab se lekin company ke point of view se it is not direct material Company के point of view से या सालिमा मनमित that is clear, या understood स्नेहा अर्शदा Perfect. तो आपको याद क्या रखना है भी क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दिया तो प्रोडक्शन का नहीं लिखने का खाली सर्विस का लिखने का बस इतना याद रख दो आपका काम हो जाएगा यस yes, सर चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं देखते हैं क्या डेटा दिया गया है इफ आई सी क्वेश्चन नंबर सिक्स हियर लेट इज अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर सिक्स का देखो सीन क्या है यहां पे क्वेश्चन नंबर सिक्स का

राइट ओनलीस देखो फिफ्टीन हंड्रेड एंड वन नाइनटी फाइव आप खाली सर्विस में कॉपी करोगे ये दो खर्चे ओके okay? देन अब आपके ये दूसरे सारे बेसिस है ये बेसिस है ये टोटल बाद में काम आएंगे खाली मटल लेबर का भी दिया रहेगा तो देख लेने का फ्लोर स्पेस टू थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस टू थाउजेंड प्लस ये ये टेन थाउजेंड हो जाएगा फटाफट फटाफट टोटल करिए टेन प्लस फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी प्लस टेन प्लस फाइव यहाँ पे एक चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है 16.

चलो सो नाउ हैविंग डन दिस अभी हम यहां से आगे बढ़ते हैं एंड देन वी विल कम टू नो हा कि ये चीज ऐसे आएगी ये चीज ऐसे आएगी चलिए लेट अस मेक द कैलकुलेशंस लेट अस रीड द क्वेश्चन फॉर दैट मैटर क्या डेटा क्वेश्चन में दिया गया है ओके okay, चलो क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं देखते हैं देखिए क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो ये पता चलता है डिटरमाइन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स ठीक है ये बना देंगे सुनो मैं पहले क्या बोलता हूं वो सुनो मेरे को बताओ जब मैं सोल्यूशन लिखेगा पहले मैंने डायरेक्ट मेटल ट्रांसफर कर दिया यस yes, सर उसके बाद ये रेट्स ये रेंट है ये रेंट किधर किस रेश में जाएगा सर ये फाइव थाउजेंड का रेंट है ना ये एरिया के हिसाब से जाएगा सर टेन थाउजेंड टेक द कैलकुलेटर लिखो मत बस मेरे साथ कैल से पे निकालो अपन मार्क कर लेंगे लेट मी जस्ट डू लाइक दिस यहाँ पे फाइव का रेंट है फाइव थाउजेंड का रेंट देखो कहीं से अरे यार ये स्विच करेंगे तो वो सोल्यूशन तो ऊपर है नहीं वैसे हाँ तो ये एक एक करके करना पड़ेगा देखो ये फाइव थाउजेंड का रेंट है तो ये कैल्स पे कैसे करने का का रेंट डिवाइडेड बाई टेन थाउजेंड टोटल टो इंटू इन टू थाउजेंड इक्वल टू देखो वन थाउजेंड आया रहेगा ये वन थाउजेंड ये आपका रेंट वाला पार्ट हो गया ये आप कर लोगे पहला निकल गया मतलब समझो आगे ये तो चलो दूसरा भी निकाल लो बाद में दूसरा क्या आएगा टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इक्वल टू दिस 1250 तो दो आगे मतलब आगे का आपको सीक्वेंस पता चल गया सुनो जनरल लाइटिंग सर जनरल लाइटिंग सर लाइटिंग किस चीज पे डिपेंड करता है लाइट पॉइंट्स जहां पे जितने ज्यादा लाइट पॉइंट्स वहां पे ज्यादा लाइटिंग रहेगी तो ज्यादा भी लाएगा यस yes, सर समझ में आता है तो लाइट पॉइंट्स इधर-इधर है 60 और बिल आया है ₹600 तो सर so, ₹600 का बिल 60 लाइट पॉइंट्स के लिए डिवाइड बाय 60 तो एक लाइट पॉइंट का टेन रुपीज मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई टेन लाइट पॉइंट का कितना टेन इक्वल टू फिफ्टीन इक्वल टू दैट इज क्या बोलते समझता है हाँ सर ये तो इजी है हमें समझ में आ जाता है आगे या वी आर ऑलमोस्ट नाइनटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड समथिंग सब्सक्राइबर्स होपफुली विल क्रॉस दैट नंबर सुन ट्वेंटी थाउजेंड वाला मे बी आज या कल तक हो जाना चाहिए लेट्स सी दिस चलो अभी यहां पे देखते हैं नाउ ये होने के बाद सर यहां से आगे जाते हैं इनडायरेक्ट वेजेस अभी सर ये थोड़ा एक आपको लिस्ट याद रखनी होगी वो जरा ध्यान से कहीं कहीं पे ऐसा डाउट आएगा तो सर अभी इनडायरेक्ट वेजेस कौन से में जाने चाहिए इनडायरेक्ट वेजेस मतलब सुपरवाइजर लेटेस्ट है जितने देर तक वर्कर काम करेगा उतनी देर तक सुपरवाइजर भी सुपरवाइज करेगा तो डायरेक्ट वेजेस पे डिपेंड करेगा जहां जहां पे जितना लेबर का खर्चा होगा सो प्लीज अंडरस्टैंड इनडायरेक्ट डायरेक्ट वेजेस इफ इट इज गिवन वो आपको डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में लेके जाना है ध्यान दीजिए इजिली यू कैन कैलकुलेट दैट तो ये डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में जाएगा आपको बस रेशियो इंपॉर्टेंट है कि ये एरिया के हिसाब से गया ये लाइट पॉइंट्स के हिसाब से गया और ये डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से गया पावर सर पावर का खर्चा सर पावर का खर्चा तो जाएगा हॉर्स पावर देखो इधर हॉर्स पावर ऑफ द मशीनरी आई एम नॉट कैलकुलेटिंग यू अंडरस्टैंड कि कैसे कैलकुलेट करना होता है डेप्रिसिएशन चलो डेप्रिसिएशन में आपको पूछता हूं मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कौन से रेशियो में जाएगा टाइप कीजिएगा आई विल कम टू नो कि सर डेप्रिसिएशन इस रेशो में जाएगा बताओ डेप्रिसिएशन कौन से रेशो में जाएगा एग्जैक्टली हर्षदा देवेश दैट इज राइट आंसर आंसर आपका जो डेप्रिसिएशन है सर वो वैल्यू ऑफ मशीनरी के रेशियो में जाएगा वैल्यू ऑफ मशीनरी के रेशो में जाएगा परफेक्ट एकदम परफेक्ट वैल्यू ऑफ मशीनरी अब इसको सुंदरी नहीं पढ़ने का ये सेंड्रीज होता है बहुत लोग सुंदरीज बोलते हैं सुंदरीज़ का मतलब अलग होता है इट इज संड्रीज समझा आपको दिख रहा होगा वैसे ओके okay, ओके okay, चलो सो लेट अस अंडरस्टैंड ये सुंदरीज और यू से ये कौन से रेशियो में जाएगा तो सर इसका तो कोई रेशियो नहीं है सर ये अदर एक्सपेंसेस है तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड इन एनी रेशियो बट गिवन अ चॉइस देन यू विल गो इन द डायरेक्ट वेजेस का रेशियो चलो कि लेबर की जिस वर्कर ने जहां जहां पे जितना काम किया उस हिसाब से सेन बी आवर्स आल्सो बट अजम्पशन कैन बी टेकन फॉर सनड्रीज एनीथिंग कैन बी डन मॉड्यूल हैज टेकन डायरेक्ट वेजेस यू कैन राइट डाउन डायरेक्ट वेजेस मतलब अदर एक्सपेंस है तो वेजेस के रेशियो में ट्रांसफर किया है इट कैन बी ऑन आवर्स का रेशियो आल्सो सुनो ये करने के बाद सर ये करने के बाद यू विल गेट आंसर फाइनल आंसर अच्छा सुनो ये आंसर तो आपको आ गया टोटल वाला एक आंसर आ जाएगा ये सब डिवाइड करने के बाद यहां पे लिखा गया भी है एग्जाम के टाइम पे क्या पढ़ के जाना मालूम है सोल्यूशन के लिए इतना पढ़ के जाना बस कि सर डायरेक्ट मुझे डायरेक्ट लिखा रेंट आ गया फ्लोर स्पेस में जनरल लाइटिंग आ गई लाइट पॉइंट्स में इनडायरेक्ट आ गया डायरेक्ट में

ना no उसके बाद अगर मैं रियपोर्समेंट की बात करू एस वन एंड एस टू अगर मैं एस वन एंड टू जो अपने सर्विस डिपार्टमेंट है अभी इसका खर्चा मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है एस वन एंड एस टू का तो सर कौन से रेशो में जाएगा तो देखते हैं क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पे कुछ लिखा गया है ओ हो देखो एस वन एस टू तो एस वन का जितना भी खर्चा आया है तो एस वन क्या बोलेगा मेरा इतना खर्चा प्लस कितना सर्विस दे रहा है टेन परसेंट वैसा यू कैन डू देखी तो देखो इक्वेशन क्या बनेगा चार हजार सात सौ मेरा खुद का खर्चा है प्लस ये वाला मैं बोल रहा हूँ ये वाला कि एस टू कितना सर्विस देगा एस वन को टेन परसेंट तो एस टू का टेन परसेंट कॉस्ट इधर आ जाएगा देन यू कैन सोल्व दिस मैथमेटिकली आई डोंट थिंक आगे मुझे कुछ बताने का जरूरत है

Uh, शिंदे uh, स्नेहा उसके ऊपर उसका आंसर था ठीक अंडरस्टैंड नाउ इतना होने के बाद डाउट तो विद ये आप इजीली निकाल लोगेट जाने हाँ, सर. सर, के बाद डिवाइडेड में लिखा गया था देखना ध्यान से क्वेश्चन में आप अगर देखोगे तो यहां पर लिखा गया था जो डेटा दिया गया था सुनना अब मैं ये बोल रहा हूं मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं ध्यान से सुनिएगा यहां पे हम बना रहे हैं एक प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट एक्स विच पास थ्रू मतलब एक प्रोडक्ट एक्स बनाने का है। तो सर एक्स बनाने के लिए वो कहां कहां से जाएगा वो पी वन से जाएगा पी टू से जाएगा पी थ्री से जाएगा एस वन एस टू से नहीं जाएगा उनका काम है सर्विस देना है खाली खाने पीने की लेकिन अपना प्रोडक्ट तीन डिपार्टमेंट में से जाएगा पी वन पी टू पी थ्री से दैट इज द प्रोसेस इस केस में डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट विच इज प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डिपार्टमेंट पी वन पी टू एंट पी थ्री इतने इतने आर्स लगे

ये डिवाइड करने के बाद एक ऑब्जॉर्शन रेट आएगा अब आपको क्या करना है देखो सोल्यूशन के अंदर ये जो रेट आया है और मेरे को प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगता है देखो 50 और थर्टी लिखा एटी आ गया फिर मैंने बोला प्रोडक्ट बनाने में इतना इतना टाइम लग रहा है और पी वन में जब भी एक घंटे का काम होगा ऑब्जॉर्शन रेट इतना है तो ऑब्जॉर्ब इतना किया थ्री पॉइंट जीरो जीरो सेवन एट सो आई आवर्स इनटू पर आवर का इतना किया जाएगा, so जाएगा रिकवर किया जाएगा क्या आपको ये एंड में समझा वन वन सेवन थोड़ा फटाफट बताया है लिखा नहीं है बट आई होप अंडरस्टूड फर्स्ट आपने तीनों के जो भी डिपार्टमेंट बाई दिए, तो आपको पर आवर का रिकवरी रेट आ गया Then, में अगर घंटे लगे, तो कितना किया रहेगा एवरीबडी कभी नहीं समझता यू कैन ऑलवेज लेट मी आई कैन ट्राई टू एक्सप्लेन दैट वन मोर टाइम और उसके बाद भी नहीं है तो शायद we can say, कि नहीं समझा बट या ट मीनोर टाइम कभी अगर डाउट है तो ओके चलिए सो सर यहाँ पे हम ये क्लियर कर लेते हैं आप कौन सा खर्चा लिखोगे क्या आपको समझ में आता है आप ये वाला खर्चा लिखोगे ये यस सर वाले अभी कम हो गए बहुत तीन चार लोग ही भेजते हैं ठीक है सर समझा हम लोग को हम टाइप नहीं करेंगे दैट इज ऑल्सो ओके बट समझ में आना चाहिए बस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके एटलीस्ट एस टाइप कर देने का एस एस हाँ सर मतलब इतना लगता है कि आई आई करके यस yes, भी काफी होता है जब मैं बोलता हूँ यस और लो यस सर बोलता हूँ बस एस लिख देने का और वाई वॉट चलो ओनली फॉर सर्विस ये ये खाली सर्विस का ही आएगा ये तो सर एक्चुअली में डायरेक्ट मेट्रल ये नहीं लेने का अब इसके बाद इसके बाद जो खर्चा तुम्हें दिख रहा है उसको एक रेशो में डिवाइड कर दीजिए सर क्या ही दिक्कत है ये चार लाख रुपए कौन से कॉन्सिडेशन में जाएगा एरिया ये चार लाख रुपए एरिया में जाएगा ओके इधर बस एक ही टेंशन है हॉर्स पावर को लेके हॉर्स पावर को लेके इंस्टीट्यूट हैज डन समथिंग आई विल लेट यू नो दैट ओके चलो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ये तो एरिया हो गया आपका देन वैल्यू ऑफ द असेट तो वैल्यू ऑफ द असेट तो ये वैल्यू में जाएगा जितनी ज्यादा वैल्यू उतना उस हिसाब से जाएगा और जो अदर है ना अदर वो कोई भी रेशो में आप लेके जा सकते हो अदर एक्सपेंस या तो वेजेस के रेशो में लेके जाओ या तो लेबर आवर्स के लेबर का cost, या तो के hours, दो में से एक रेशो सेलेक्ट कर सकते हो आप तो मैं बोलता हूं, so machine hours. Machine hours, के लिए म, मशीन आर्ट्स आप मशीन आर्ट्स की जगह पे अदर ओवर तो आप लेबर के कॉस्ट में भी है लेबर वेजेस की जितना वेजेस जिधर है उतना वो खर्चा उधर हुआ रहेगा अदर ओवर का We will say that. तो आर्थ के में या कॉस्ट के रेशो में आप लेके जा सकते हो अर्लियर वाले क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट जो सेंड्री वाला था वो वेजेस के रेशो में लेकर और अभी वेजेस नहीं अभी आर्स के रेशो में लेके गया तो दैट इज ओके अदर ओवर गया तो इट इज अपर कॉस्ट के रेशियो में दैट इज वेस या तो लेबर आवर्स के रेशियो में, तो में अब पावर को लेकर एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है सुनना यहां पे हॉर्स पावर ऑफ मशीन दिया गया और ऊपर मशीन आर्स दिए गए स्पेसिफिकली वर्ड लिख के दिया है मशीन इसके पहले ऐसा लिख के नहीं दिया था चलो मैं आपको बता देता हूं पावर के लिए इसके पहले वाला क्वेश्चन सो so दैट आपको क्लियर हो जाएगा देखो सुनो यहां पे अगर आप नोटिस करोगे क्वेश्चन नंबर सिक्स को रुको जरा ये थोड़ा ओके सुना अब अगर सर मैं इधर बोलता हूँ ये यहां पे भी पावर था देखो एक जगह पे तो सर आपने पावर का खर्चा किस रेशियो में लेके गए पावर का खर्चा हॉर्स पावर ऑफ मशीन सुनो अभी हम कौन से रेशियो में लेके जा रहे हैं सुनना ध्यान से ये समझना मान लो मेरे पास दो एसी है एक ए सी यहाँ पे एक रूम ए है एक रूम बी है यहां पे वन टन का ए सी है लेटे से यहां पे टू टन का ए सी है ये ए सी मैंने चार घंटे के लिए चलाया या तो चलो वन टन वाला एसी सी आठ घंटे के लिए चलाते हैं और ये एसी सी चार घंटे के लिए चलाते हैं मुझे बताओ आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर मान लो हजार रुपए का आया है तो दोनों को कौन से रेशों में लेके जाओगे के रेशों में, के रेशों में की रेशों में में इक्वल मेरे पास एक ए है रूम ए के अंदर एक टन का जो मैं आठ घंटा चलाता हूँ रूम बी के अंदर दो टन का ए है जो मैं चार घंटा चलाता हूँ फोर आवर्स के लिए तो इस केस में बिल इक्वल जाना चाहिए वन इज टू के रेशो में जाना चाहिए एट इज टू फोर के रेशो में इक्वल जाना चाहिए बताओ इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे जाना चाहिए वन इज टू का रेशियो जो टन वाला है या आर्स वाला रेशियो या इक्वल इक्वल वाई सर अरे बाबा जितना आर्स आप चलाओगे दैट आल्सो जस्ट बिकॉज अच्छा ये चलाया ही नहीं तो वन वाला ऐसे तो बिल ही नहीं आएगा हम इन आर्स यूरन दैट ऑल्सो मैटर्स अलॉट राइट तो इट शुड गो इक्वल हेलो इट शुड गो इक्वल अंडरस्टैंड वाई बिकॉज ये जो भी हॉर्स पावर है लेटर में Into ये एट तो बिल का आया रहेगा और चार ही घंटा चले लेकिन बिल डबल आया रहेगा ना बिकॉज में दो टन का तो वो डबलस्टेंड तो इट मीन अभी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो इस रेशो में लेके जाना चाहिए पहले दोनों को इंटू करना पड़ेगा मशीन आवर्स दिए गए अगर मशीन आवर्स नहीं दिए गए होते खाली आवर्स विखा दो तो मैं नहीं इग्नोर करता फिर मैं हॉर्स पावर के रेशो में ही लेके जाता और अगर मशीन आवर्स दिए गए है क्वेश्चन में तो यू शुड मल्टीप्लाई दैट इज इंटू ये करने का ये इंटू ये देखो वन थाउजेंड इंटू फिफ्टी देखो ऐसे आप ये ये ऐसा मल्टीप्लाई करो कि वन थाउजेंड इंटू फिफ्टी ये जो रेशियो बनेगा ना इस रेशियो में हॉर्स पावर का खर्चा जाएगा हॉर्स पावर का खर्चा इस रेशियो में जाएगा ये टू लाख फिफ्टी थाउजेंड टोटल आता है उस रेशियो में इसके पहले वाला क्वेश्चन बता देता हूं देखो कैसा था सो दैट यू विल गेट एन आइडिया हाँ ही अलग क्यों किया या फिर जो भी है सुनो इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी पावर था लेकिन पावर के बाद क्या लिखा गया था पावर और ऊपर वर्किंग आवर्स था लेकिन वो, so, पावर लिखा गया था अच्छा इसके पहले भी पावर था लेकिन इधर सीधा एचपी आर्स मतलब आर्स, करके ही दे दिया था तो। आर्स का डेटा नहीं था लेकिन सीधा एचपी दिया था पावर सीधा रेशियो तो में दिया था

सात क्वेश्चन हो चुके हैं नाउ यू अंडरस्टैंड आगे क्या करना है इज ईजी ये इतना डिफिकल्ट नहीं है आगे का पार्ट हेलो इज ये वाला ये आप कर लोगे ये एक बार मैंने रेशियोज बता दिए ना आगे का पार्ट डिफिकल्ट नहीं है फिर वही आपको सारा टोटल निकालना है फिर एक्स वाई का मानना है खर्चा फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड आगे तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट ओके आपको कर देना है सेम uh, तो ये क्वेश्चंस अभी ये वाले इतने ये नहीं है अभी सुनना इंपॉर्टेंट जो है अभी हम यहां से आगे जाते हैं सुनना इफ दिस इज क्लियर बता दीजिए क्या आपको इतना सेशन के अंदर जो पढ़ाया वो क्लियर है तो हम आगे की बातें करेंगे यस yes, हमको इतना क्लियर है एक पांच मिनट का ब्रेक ले लेते हैं अगेन पढ़ पढ़ के दिमाग थोड़ा तो हर एक घंटे के बाद एक छोटू सा ब्रेक ले लेंगे तो वी ऑलवेज so okay? yes, yes, है बाद यस सर बहुत लोग बोल देते सर दिमाग हैंग हो रहा है दस मिनट ब्रेक प्लीज ओके आई एग्री बिकॉज आप लिख नहीं रहे हो तो आप जो फटाफट फटाफट सुनते हो ना एक पॉइंट के बाद दिमाग एंड आई आई एम एकदम टाइम सेविंग मोड पे अपन चलो दस मिनट का ब्रेक ले लेते हैं बाद में हम मिलते हैं चलो टेन मिनट्स के ब्रेक के बाद मीट आफ्टर टेन मिनट्स का ब्रेक रावल ने क्या पूछा था सर ट्रायल एरर मेथड रावल ट्रायल एरर मेथड आता नहीं है एग्जाम में तो आई एम नॉट इट इज लाइक सेम आपका इसके जैसा है थ्री स्टेप मेथड तीन साइकिल वाला मेथड था वैसा यू जस्ट हैव है लुक यूरस्टैंड एड सच नेवर आस्क दैट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आज तक अभी पूछा नहीं है वो लोगों ने ओके नाउ द वॉइस इज प्रॉपर आई थिंक ये राजकुमार आचल स्नेहा वॉइस नहीं आ रही है एक ने मैसेज भेज दिया आई केम टू नो डू नॉट वेरी या बट या चलो ब्रेक so uh, के बाद सारी पब्लिक गायब हो गई है ऐसा है या yeah, चलो ना लेट्स अंडरस्टैंड दिस तो शुरू करते हैं देखिए नाउ यहां पे अभी हम क्या करेंगे ये देख लेते हैं व्हाट वी गा डू दिस पे अभी हम सेकेंड पार्ट पाएंगे देखते हैं क्या है वो सेकेंड पार्ट यहाँ पे देखिए हमने यहां पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन में यहां तक तो कर लिया है ओके अभी है ना कुछ पार्ट्स है जैसे कुछ पार्ट्स में देखो क्या पार्ट्स है ये इतना होने के बाद अभी क्वेश्चन में देखना एक पार्ट तो अपना ये हो गया दूसरा सर छह मेथड है ऑब्जॉर्बशन कॉस्टिंग है जस्ट एक आइडिया देने के लिए ऑब्जॉर्ब्शन रेट निकालने के छह मेथड है एक आइडिया देने के लिए देखो समझा दो छे मेथड मतलब क्या समझाता हूं देखो हमने इस क्वेश्चन के अंदर हमने इस चैप्टर के अंदर इतना कर लिया हमने ये देख लिया सर अलोकेशन अलोकेशन में खाली किसका लिखने का सारे खर्चे लिख देने का लेकिन अगर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है ना अलोकेशन के अंदर अगर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है तो वो खाली सर्विस वाले का लिख देने का दूसरा जो भी खर्चा दिया है वो लिख देने का हर एक का जो भी रहेगा वो देट यू कैन जस्ट कॉपी स्पेसिफिकली दिया रहेगा देन लेकिन हाँ इसमें याद रखना इधर डैश आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर में देन अपोर्शनमेंट कैसे करना है हमने वो भी देखा पावर एक इंपॉर्टेंट था

वन सर्विस डिपार्टमेंट इज सर्विंग टू अनदर बट नॉट अ वर्सा तीसरा एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं इसमें तीन मेथड होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के अगर रिसिप्रोकल है जिसको बोलते हैं थर्ड वाले को एक होता एक होता होता है है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड मेथड दैट वी हैव डन थ्री साइकिल साइकिल तीन तक लेके जाने का दोनों को दोनों को तीन बार और एक होता है ट्रायल एंड एरर ट्रायल एंड एरर ये थ्री साइकिल जैसा ही है आपको सोल्यूशन प्रोवाइडेड है कभी एग्जाम में पूछते नहीं है बट स्टिल जस्ट हैव अ लुक सेम टू सेम डिटो है ट्रायल एंड एरर मेथड और वो ओके okay. देन इसके बाद हमने बोला सर हमें ओवरहेड आ गया हाँ सर अब बजटेड ओवरहेड को डिवाइडेड बाई आप क्या करोगे बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी इट मीन्स सुनो अब है ना अच्छे से लिखा हुआ है, है क्या जरा देख लेते हैं अपने पास लिखा हुआ मेथड 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 छह मेथड अपने पास है देखो इधर मस्त ऐसा सब लिखा हुआ भी है वैसे यही से समर भी मेरे डायग्राम विग्राम बना के कि एकदम डायग्राम्स 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 ओके चलो सुनाओ अंडरस्टैंड

ब्लैक कलर या ब्लू कलर है वन कलर का एक सेम पेन बनाता है तो बजेटेडेड बाई खर्चा, खर्चा एक लाख रुपया है सर हमें ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यूनिट बनाता है इट मीन जब जब मैं एक यूनिट बनाएगा मेरे प्रोडक्ट के अंदर चार रुपया रेंट का एड कर देगा रिकवर करने के लिए लेबर तो ऐड करेगा ही रेंट का भी चार रुपया एड करेगा दैट इज रिकवरी रेट विल बी फोर रुपीज पर आवर ओके okay, डन दूसरा सर

तो सर प्रॉब्लम है जहां पे ज्यादा आवर्स लगता है उधर आवर्स तो आवर्स के हिसाब से ज्यादा जाना चाहिए तो इस केस में आवर्स के हिसाब से जाना चाहिए अगर वैसा है जहां पे ज्यादा आवर्स है वहां पे ज्यादा जाना चाहिए तो इस केस में हम मेथड यूज करते हैं लेबर आवर एंड मशीन आवर अगर कंपनी हमारी लेबर ओरिएंटेड है तो हम लेबर आवर यूज करते हैं मशीन ओरिएंटेड है, है ज्यादा का मशीन के थ्रू से होता है मशीन आवर्स दैट इज ओवरहेड्स ओवरहेड बाय लेबर आवर्स हो जाता है या तो ओवरहेड्स ओवरहेड बाय मशीन आवर्स हो जाता है वैसा देन तीन परसेंटेज वाला मेथड

ये जब आप अब्जॉर्ब रेट निकालते हो ना और कितने क्वेश्चन है भाई जरा देख लेते हैं अरे बाप रे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा देखो थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा या वैसा कुछ करना पड़ेगा सुनो अभी ज्यादा क्वेश्चन में से है ना अभी मैं आपको बता दूं तो कैसे करेंगे यही दिक्कत होती है कि कैसे सब कुछ कवर हो जाएगा वैसा है चलो एक है आपका ब्लैंकेट रेट और एक है डिपार्टमेंटल रेट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लैंकेट रेट एंड डिपार्टमेंटल रेट थर्ड कंसेप्ट पहला कंसेप्ट था ओवरहेड एलोकेट करना सेकेंड ऑब्जॉप रेट निकालना और ये ऑब्जॉप रेट दो तरीके से निकाला जा सकता है या तो ब्लैंकेट रेट या तो सिंपल रेट समझना ब्लैंकेट और सिंगल रेट में क्या डिफरेंस रहेगा सुनना जरा ध्यान से मैं ये बोलता हूँ डिपार्टमेंट ए है और डिपार्टमेंट बी है लेटेस है मैं आवर्स की बात करता हूँ ये आवर्स और मैं ओवरहेड्स की बात करता हूँ ओवरहेड ये आपके बजट ओवरहेड्स यहाँ पे आपने सोचा है एक लाख का खर्चा होगा यहाँ पे आपने सोचा है दो लाख का खर्चा होगा यहाँ पे आप ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आवर्स दो लाख का खर्चा होगा एक लाख का खर्चा दो लाख का खर्चा इधर आप सोच रहे हो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आवर्स काम करोगे इधर आप सोच रहे हो वन लाख आवर्स काम करोगे सुनो ये है अब एंड में क्या होगा जरा नोटिस करना एंड में इफ यू अंडरस्टैंड यहाँ पे अगर मैं इंडिविजुअल रेट निकालू सर एक लाख का खर्चा है पच्चीस हजार ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आर्स के पीछे रिकवर करना है तो पर आवर फोर आ जाएगा इधर पर आवर टू आ जाएगा लेकिन इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल रेट डिपार्टमेंटल रेट ये बोलते हैं जब भी आपके डिपार्टमेंट ए में एक घंटे का काम होगा चार रुपए रिकवर करने का एज रेट प्रोडक्ट प्रोडक्ट के अंदर का कॉस्ट और अगर मेरा डिपार्टमेंट बी बना डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट बी बी है में जब भी काम होगा तभी तो दो रुपया पर आवर का कर रिकवर करने का लेकिन वी कैन थिंक अबाउट अ कंपनी इस डिपार्टमेंट का रेट निकाला अब मान लो मैं बोलता हूं कि कंपनी का टोटल खर्चा तीन लाख है मैं ऐसा बोलता हूँ टोटल कंपनी एक लाख पच्चीस हजार घंटे के लिए काम करने वाला है दोनों का मिला के तो सर मेरा तीन लाख का खर्चा मन लाख ट्वेंटी काम करेंगे तो आपका रेट आ गया टू पॉइंट फोर ये इंडिकेट करता है जब भी भी कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनेगा मान लो बनने के लिए डिपार्टमेंट ए में लेटेस्ट आवर्स लगे एंड डिपार्टमेंट बी में लेटेस्ट लगे फाइव आवर्स तो डिपार्टमेंटल रेट में कैसा होगा अच्छा इस डिपार्टमेंट में टेन आवर्स लगे इंटू फोर कर दो इस डिपार्टमेंट में कितने आवर्स आवर्स लगे लगे इंटू टू कर दो इसको डिपार्टमेंटल रेट बोलते हैं ब्लैंकेट रेट मतलब सर टोटल मिला के कितना टाइम लगा कंपनी को फिफ्टी आवर्स लगा ब्लैंकेट रेट के अंदर इसको ब्लैंकेट रेट बोलते हैं एक ही रेट सबके लिए जिसको ब्लैंकेट रेट बोला जाता है सिंगल रेट ब्लैंकेट सर ठीक है तो सर फिफ्टीन आवर्स टोटल लगा इन टू जब भी कहीं पे भी कंपनी का काम होगा तो 2.5 का खर्चा होगा तो 15 इंटू टू पॉइंट फोर यूल गेट वन आंसर मुझे बताओ आपको ज्यादा बेटर कौन सा लगता है ज्यादा प्रिसाइज कौन सा लगता है कि ये ज्यादा बेटर है और एक काम चोरी वाला काम है डिपार्टमेंटल और ब्लैंकेट रेट हेलो मोर प्रोसाइज इज विच मेथडिटमेंटल डिपार्टमेंटल एग्जैक्टली स्पेसिफिक आंसर निकालते हो डिपार्टमेंटल की इस डिपार्टमेंट का खर्चा इतना इस डिपार्टमेंट के आर्स इतना इतना होने के बाद आई कैन सी दैट जैसे ही टाइम आगे बढ़ता है धीरे धीरे पब्लिक कम होते जाता है आई डोंट अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स बट दैट्स ओके ओ चलो अभी यहां से आगे जाते हैं और ब्रेक देने के ब्रेक देना ही गुना होता है ऐसा ही नहीं है पब्लिक बाद में सुनो नाउ अभी हम क्वेश्चन पे, पे आते हैं अच्छा सुनना एक ये है डिपार्टमेंटल और ब्रैंकेट रेड वाला क्वेश्चन फिर एक है आपका ये चैप्टर वैसे थोड़ा सच में बड़ा है यार आ, मतलब एक है मशीन आवर वाला अच्छा फिर एक है आपका सप्लीमेंट्री रेट मैं एक काम करता हूं मैं ना आपको पहले सप्लीमेंट्री रेट समझा देता हूं काफी ज्यादा ईजी है पहले हम सप्लीमेंट्री रेट पे आ जाते हैं ये वाले कैटेगरी पे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अस सी दिस सप्लीमेंट्री रेट पे आते हैं फिर आगे देखेंगे अंडरस्टैंड दिस ओके सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट्री रेट पे आ जाते हैं सुनना काफी ज्यादा इजी है आप मेरे साथ सुनते जाओ समझते जाओ तुमको आंसर आ जाएगा एकदम इजी सा लगेगा सुनो क्वेश्चन फोर्टीन पे आते हैं रीड करना स्टार्ट करते करतेट इज सप्लीमेंट्री रेट रिलेवेंट चीजें समझा दूंगा एंड यू विल गेट आंसर फाइव मार्क का क्वेश्चन आ सकता है काफी ईजी है वट इज सप्लीमेंट्री रेट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद क्वेश्चन चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर पे आते हैं अगेन इट इज फ्रॉम द मॉड्यूल व्हाट इज गिवन लेट अस अंडरस्टैंड दिस ओके चलो क्या हुआ अभी भी सबको समझ रहा है ना बिकॉज आई कैन सी हेलो दो बार यस सर बोल दो आई विल कम टू नो दैट यू आर गेटिंग एवरीथिंग इट इज नॉट टू फास्ट एंड या एंड समथिंग लाइक लाइक दैट इट टेक्स अराउंड रेगुलर लेक्चर में फिफ्टीन आवर्स टू टीच दैट चैप्टर वी आर ट्राइंग टू कवर इन टू थ्री आवर्स वह सर थ्री फोर आवर्स एक बार एक यस सर का नारा लगा दो तो हमें पता चलेगा हर्षद स्नेहा हर्ष सालिमा ओके चार लोगों ने बोला है ठीक है चलो कोई ना चलिए आगे बढ़ते हैं राजकुमार अभिषेक या इलेट्रेशन एट है आज चिल, ओके, दिस इलस्ट्रेशन एट। सर, क्या है ये नहीं है। Question 14, from the module, आ, अगर मैं देखो तो इलस्ट्रेशन एट है ये दिस इज इलेन एट ठीक है चलिए देखते हैं क्या डेटा है ट्राई टू तो अंडरस्टैंड काफी इजी है मैनेजेबल है समझने लायक है चलो पढ़ना शुरू करते हैं देखते हैं क्या चीज है सुनना सर द ओवरहेड टोटल ओवरहेड एक्सपेंस ऑफ अ फैक्ट्री इज टोटल ओवरहेड एक्सपेंस टोटल ओवरहेड एक्सपेंस ऑफ अ फैक्ट्री इज फोर लैखी सिक्स थाउजेंड थ्री एटी इतने का खर्चा हमने किया है फैक्ट्री के अंदर ओके टेकिंग इन टू अकाउंट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड वॉज रिकॉर्डेड इन प्रोडक्शन एट वन पॉइंट टू फाइव पर आवर ठीक है कुछ ऑब्जॉर्प्शन रेट दिया मैं सिंपल बोलू

सर मैंने अब्जॉर्ब कितना किया रहेगा कितना रहेगा तो सिंपल है मैंने फर्स्ट डे पे ये डिसाइड कर दिया था जब भी हम वन आवर के लिए काम करेंगे तो ये, 1 ये वन पॉइंट टू आवर का रिकवर करेंगे और हमने कितने आवर्स के लिए काम कर लिया है ट्वेंटी थ्री वन जीरो रिकॉर्ड कर लिया रहेगा जरा देखना 1 वन आवर का है तो आंसर तो आ जाएगा हमने इतना कर लिया रहेगा थ्री सिक्स पर आवर का हम वन पॉइंट टू फाइव ऑब्जॉर्ब करते हैं तो हमारा अंडर ऑब्जॉर्बन कितना आएगा है देखते हैं फोर फोर्टी हमने पे किया है 3, 6, 6, 380. तो ये हो जाता है हमारा 80,000 ये अंडर है बिकॉज पेमेंट ज्यादा है और अब्जॉर्ब वाला अमाउंट कम है तो इसको अंडर ऑब्जॉब बोलते हैं

इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट एंड फिफ्टी परसेंट वॉज ड्यू टू फैक्ट्री इनफिशियंसी मैं आपको एक शॉर्टकट में बता देता हूँ कंपनी की गलती कितनी है फिफ्टी परसेंट वॉज ड्यू टू फैक्ट्री इनफिशियंसी मतलब फैक्ट्री में बराबर नहीं काम हुआ है फिफ्टी परसेंट उसकी वजह से यह हुआ मतलब जहां पे शायद आपने एक लाख यूनिट बनाने का सोचा रहेगा आपने एट्टी थाउजेंड ही बनाया कम बनाया तो कम ऑब्जॉर्ब हो गया कम रिकवर हो गया तो फिफ्टी परसेंट वो मिस्टेक है तो जो आपकी मिस्टेक होती है ना फिफ्टी परसेंट जो इनफिशियंसी होता है इनफिशियंसी कंपनी की मिस्टेक कंपनी की मिस्टेक फिफ्टी परसेंटेज इस चालीस हजार आ जाएगा आधा जो कहाँ पे ट्रांसफर होगा पी एन एल में ट्रांसफर होगा आपका लॉस है वो यू के नॉट रिकवर दैट फ्रॉम द कस्टमर ये आपका लॉस है अब बचा हुआ चालीस बोलोगे ये इंक्रीज इन कॉस्ट है नॉर्मल इंक्रीज इन कॉस्ट डू टू इंक्रीज इन कॉस्ट इन्फ्लेशन हो गया तो खर्चा बढ़ गया सर अब्जॉर्ब उतना ही होना चाहिए था लेकिन खर्चा ही बढ़ गया सर ज्यादा हो गया ये नाउ यू अंडरस्टैंड दिस इज नोन एज इंक्रीज इन कॉस्ट अब ये चीज को मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में एडजस्ट करना है प्रोडक्ट के कॉस्ट के अंदर एड करना है ये वाला जो फोर्टी थाउजेंड था वो सीधा हमने पी में भेज दिया बिकॉज दैट वॉज अवर मिस्टेक जो हमारी गलती है वो सीधा पी में चला जाएगा अब ये फोर्टी थाउजेंड एडजस्ट कैसे होगा तो देखो मैं बोलूंगा कितने यूनिट्स बनाए गए थे देखो मैं ऐसे लिख दूंगा वॉट इज प्रोडक्शन और प्रोडक्शन दो चीजें रहेंगे आप जो भी गुड्स बनाओगे ना प्रोडक्शन उसके दो पार्ट रहेंगे जो चीज बेच दोगे उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स और जो बच जाएगा वो क्लोजिंग स्टॉक आई विल रिपीट आपने जो भी चीजें बनाई हैं प्रोडक्शन में कुछ चीजें आपने बेच दी रहेंगी वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएंगे कि बेच दिया उसका कॉस्ट निकालो और जो बचा हुआ है उसमें से वो क्लोजिंग स्टॉक में और एक रहेगा आपका डब्ल्यू आई पी क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी ये फिनिश गुड्स का, है। और एक का आपका WIP, चलो पढ़ते है। देखो क्वेश्चन में लिखा है दैट सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड यूनिट्यूस्ड जिसमें सेवन थाउजेंड आर सोल्ड तो सेवन थाउजेंड का कॉस्ट निकालो जो बेच दिया है और सात हजार आठ सौ बनाया था आपने और उसमें से सात हजार बेच दिया मतलब आठ सौ क्लोदिंग स्टॉक के अंदर है मतलब इस साल आपका प्रोडक्शन सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड है इस साल का खर्चा सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड के ऊपर हुआ है दूसरी चीज डब्ल्यू आई पी के अंदर भी यूनिट है कितने टू हंड्रेड पी के तो उसके ऊपर भी खर्चा हुआ जो काम किया रहेगा इस साल आपने जो भी खर्चा किया है वो एट थाउजेंड यूनिट्स के ऊपर किया इस साल जो भी खर्चा किया है ना आपने ये वो एट एट थाउजेंड एंड नहीं यूनिट्स के ऊपर किया है बिकॉज आपने बनाए थे सात हजार आठ सौ हाँ, उसमें से बेच दिए उसका तो सात हजार बेच दिए तो आठ सौ क्लोजिंग के अंदर है और 2000 के अंदर जिसके ऊपर आधा काम बाकी अभी मुझे इस साल कितना खर्चा एडजस्ट करना है अपने खर्चा इस साल गया वो इस पूरे आठ हजार के ऊपर गया रहेगा जो बने और जो क्लोजिंग में तो फोर्टी थाउजेंडिड बाई एट थाउजेंड एक सप्लीमेंट्री रेट आएगा फाइव रुपीज कैसे डिवाइडेड और जो ये आप इंडिविजुअली अप्लाई कर दीजिए yeah, क्या थोड़ा थोड़ा समझा है ऐसे ही हम सिमिलर अभी और चार बार करेंगे समझ जाएगा सेम फॉर्मेट रहेगा आपका कितना खर्चा हुआ उसमें और कितना हुआ है तो अंडर एडजस्ट करना है के अंदर, और कैसे करोगे? तो निकालो पहले और उसके ऊपर आइडिया अच्छा, तो कि हाँ ये क्या किया जा रहा है चलो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के बाद यस सर क्वेश्चन फिर आपको एक निकालने के लिए दिया जाएगा एंड आई विल कम टू नो कि तुमको कितना समझा फिर तुमको निकालने दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर्टीन पे आता है थोड़ा गलती हो जाता है कभी कभी फिफ्टीन पे आते चलिए वॉट इज देयर इन द क्वेश्चन सर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके अंदर एक रिकवरी रेट ऑलरेडी निकाल आ आदमी काम करेगा पच्चीस रुपए एक दिन का ओके या देवेश थैंक यू नाउ सर मैंने खर्चा कितना किया है तो देखो फोर लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड का एक्सपेंस इनकर किया फोर्टी वन लैखेंट एक्चुअल ओवरहेड लिख दो पहले पहले लिख दो एक्चुअल ओवरहेड तो सर हमने फोर्टी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का खर्चा किया है सर इतना खर्चा किया है तो ऑब्जॉर्ब कितना किया रहेगा चलो ये देख लेते हैं तो सर ऑब्जॉर्ब के अंदर ऐसा है कि जब भी एक घंटे एक का एक दिन का काम होता है हम पच्चीस रुपया रिकवर करते हैं, ये एक दिन का ऐसा कितना दिन काम हुआ है देखो मैन डेज इतना मैन डेज काम हुआ है इज लाख मैन डेज के लिए काम हुआ है तो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड माइन डेज काम किया है और एक दिन का या टीवाई के एट थैंक यू सो मच चलो ये टीवाई के एट है तो मतलब ये आ गया आपका 37, 50, सर अगर ये आ गया तो सर पेमेंट कितना किया है वो ऊपर है वाला मैं उन छोटा दिख रहा है वाला तो ये अंडर ऑब्जॉप है देखिए जरा चार लाख का अंडर ऑब्जॉर्प्शन इसमें से हमारी गलती कितनी है वो पी एन एल में जाएगा कंपनी ने प्लानिंग में मिस्टेक किया जो भी तो देखते हैं तो देखो यहाँ पे लिखा गया

अब हम इसको एडजस्ट करेंगे अभी देखेंगे हमने इस साल कितने मिनट्स बनाए उसके ऊपर एडजस्ट करेंगे तो देखते हैं हमने इस साल कितने मिनट्स बनाए तो देखो जो भी आपका फिनिश गुड्स होगा प्रोड्यूस्ड वो दो पार्ट में होगा कुछ बेच दिया होगा दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स में होगा फिर मतलब और जो क्लोजिंग में होगा एंड देन आपका होगा क्लोजिंग WIP चलो अभी क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी अच्छा देखते हैं सर इधर तो क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी है ही नहीं अगर तो टेंशन ही नहीं है सुनो नाउ आउट ऑफ द फोर्टी थाउजेंड यूनिट्स प्रोड्यूस थर्टी थाउजेंड सोल्ड तो आपने तीस हजार बेच दिया है तो चालीस हज़ार बनाया था आपने चालीस में से तीस बेच दिया मतलब दस हज़ार क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा और इस क्वेश्चन में डब्ल्यू आई पी का तो कोई भी डेटा नहीं है सर तो, तो टेंशन ही नहीं है ही फोर्टी थाउजेंड है सीधा डब्ल्यू आई पी है ही नहीं उसके ऊपर मुझे एक लाख साठ हज़ार एडजस्ट करना है और अगर एक लाख साठ हजार एडजस्ट करना है तो वन लाख सिक्स इंटू इन इक्वल टू वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड टू फोर्टी थाउजेंड क्या बात है सोल्यूशन no. अच्छा लिखा हुआ है ना वो पीडीएफ ड्राइव पे है देखो ये

मैंने क्या-क्या क्वेश्चन क्या? को सेग्रीगेट किया कि पहले ये वाले क्वेश्चन फिर ये वाले क्वेश्चन मॉडल में ऐसे आगे पीछे दिया तो ऐसा करते हो ना तो इजी पड़ता है कि पहले यही सेगमेंट कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मेट रहेगा चलो क्वेश्चन नंबर 16 अगेन कहीं ना कहीं मॉड्यूल या आरटीपी का है आ, बस हमें पता नहीं होता बार-बार वो भूल देता पर किधर से तो लिया था जब भी लिया था तभी तो अभी याद नहीं हो कभी चलो इजी है या वेरी इजी फटाफट कर लेते इट टेक मच टाइम और पांच मिनट और ये खत्म हो जाएगा फिर थोड़ी देर के बाद एक ब्रेक लेंगे खाने पीने का फिर बचा हुआ चीज कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे चलिए नाउ अभी हम आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे देखते हैं क्या है करके लेट इस लुक ओके चलो सर सबसे पहले तो आपका पांच रुपया मशीन आवर रेट निकाला हुआ है ओके सर आपने कितना खर्चा किया है एक्सपेंसिस इनको डे रुपीज में देखो एटी थाउजेंड

तो सर पेमेंट तो एटी थाउजेंड का किया लेकिन अकाउंट्स के अंदर तो पचास हजार का ही रिकॉर्डिंग किया है मतलब तीस हज़ार कम रिकॉर्ड किया है तो कम मतलब ये ऑब्जॉर्बल अमाउंट कम है इसको बोल देंगे अंडर ऑब्जॉपशन यस सर अभी मेरी गलती कितनी तो सिक्सटी परसेंट गलती जो है अनऑब्जॉर्ब्ड वॉज ड्यू टू द डिफेक्टिव प्लानिंग सेम सिक्सटी परसेंट मेरी गलती है जो सिक्सटी परसेंट मेरी गलती है वो पी एन एल में भेज दो सिक्सटी परसेंट और फोर्टी परसेंट नॉर्मल इंक्रीज है तो देखते हैं थर्टी थाउजेंड इंटू सिक्सटी परसेंट अठारह हज़ार पी में चले जाएगा और इसको सप्लीमेंट्री रेट से एडजस्ट किया जाएगा जो इंक्रीज इन कॉस्ट है हम यूनिट्स के ऊपर एडजस्ट करेंगे सर कौन से एडजस्ट करना है पहले यूनिट्स निकालना पड़ेगा हाँ अरे 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 सुनो 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 इधर हो गई ये गलती इधर एक चीज पे ध्यान नहीं दिया गया है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन रुको मैं डेटा पढ़ते टाइम थोड़ा इधर उधर कर लिया कुछ चीजें सुनो इंपॉर्टेंट चीज सॉरी My mistake. थोड़ा गलती हो गया देखो गलती क्या हो गया इसमें और भी डेटा था भले मिला हजार है।, है।, है और ये एटी थाउजेंड और फिफ्टी थाउजेंड है ना जो ये आउट ऑफ एटी थाउजेंड सॉरी ध्यान से थोड़ा सा रुको ये जो अस्सी हजार का अमाउंट है ना इसमें से पंद्रह हजार वी पेबल ऑफ लेबर कोर्ट

और पांच हजार है वो पिछले महीने का है पिछले ईयर का है तो वो भी माइनस कर दीजिए इस साल के लिए कितना खर्चा क्या वो चाहिए प्रोडक्शन के लिए तो ये तो स्ट्राइक पीरियड वाला है पंद्रह हजार वो माइनस किया पांच हजार ये माइनस किया जो पिछले साल का है तो मेन खर्चा तो साठ हजार का ही है सर ये तो वो पढ़ते रिलेवेंट डेटा पढ़ते पढ़ते भूल गए ये दस हजार आ गया सर सिक्सटी परसेंट अपना गलती था तो सिक्सटी परसेंट पी एन एल में चले जाएगा चार हजार को एडजस्ट करने का है नाउ वेन यू एडजस्ट दे इज अ डेटा बेचिस इज गिवन अरे है क्वालिटी का डेटा किधर है अभी इसके अंदर थर्टी थाउजेंड वही फोर्टी थाउजेंड एंड थर्टी थाउजेंड तो क्या ही बात है सर वही सेम थर्टी थाउजेंड यूनिट आपके ये है कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग के अंदर फिनिश गुड्स में कितने थर्टी भेज दिए चालीस में से तो दस क्लोजिंग में है तो ये चालीस हज़ार है जिसके ऊपर चार हजार रुपये एडजस्ट करना है तो सर चालीस हज़ार डिवाइडेड बाई चार हज़ार सॉरी उल्टा क्या कर रहे हैं आप यार चार हजार डिवाइडेड बाई ऐसा गलती तुमसे भी होगा हाँ टेन थाउजेंड इक्वल टू वन थाउजेंड एंड यू मच क्लियर तो इतना होगा तो हम आगे बढ़ते हैं यहां से और देखते हैं चीजें क्या है करके चलो So, यहां से अभी हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे देखेंगे कि कैसे क्या होगा करके लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन इज डन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट है जो अपने को देखना है। इधर नया एडजस्टमेंट क्या था ये जो बोला गया ना अंडर स्ट्राइक या फिर पिछले साल का या डिफेक्टिव मटेरियल वो सब हटा देने का एक्चुअल कॉज देखने का प्रोडक्शन का या वेरी इजी मतलब वेरी इजी इफ इट कम्स पांच मार्क का तो पांच मार्क मिलना ही चाहिए तुमको समझ जाओ क्वेश्चन 17 सर ओके लेट्स सी दिस यस सचिन थोड़ा हल्का रखा गया था ब्रेक के बाद वाला थोड़ा कि भाई दो दिमाग दिमाग में जाए वैसे इजी था या yeah, कोई डिफिकल्टी नहीं थी मशीन आवर रेट है ना मशीन आवर रेट ये वाला क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट में आया था तो मुझे ऐसा लग रहा है आई एम नॉट श्योर पर अभी आने के चांसेस कम है नहीं नहीं बोल रहा हूं कम है मशीन आवर रेट तो अब हम जो कर रहे हैं जैसे अभी जो कर रहे हैं ना ये आने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं अभी, है अभी। लाइन से तीन क्वेश्चन की और अभी ये जो करने वाले चांसेस ज्यादा है तो एकदम अच्छे से करिएगा ये टी वाई के इलेवन है क्या बात है ये है टी वाई के इलेवन चलो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन शुरू करते हैं क्या चीज़ है डेटा दिया गया एक बार देख लेते हैं सर ए बी सी लिमिटेड ओके इसका एक रेट दिया गया टेन रुपीज़ प्री आपका डिटरमाइंड रेट टेन रुपीज़ ये अब्जॉर्बन रेट है सर कंपनी का खर्चा कितना है कंपनी का खर्चा छः लाख का है लेकिन छः लाख में से फोर्टी थाउजेंड फोर्टी फाइव थाउजेंड राइट ऑफ है ये अब्सिलिट स्टोर्स का अगेन तो ये काम का नहीं है माइनस कर देने का इन थर्टी थाउजेंड आपका स्ट्राइक पीरियड के अंदर है तो सिंपल है एक्चुअल ओवरहेड कितना आई विल राइट सर एक्चुअल ऐसा आएगा आपने पे किया माना सिक्स लैख रुपीज पर सर छः लाख में से थर्टी थाउजेंड तो अप्सोलेट मटीरियल का है वो हटा दो प्रोडक्शन के लिए कितना क्या वो चाहिए अरे सॉरी फोर्टी फाइव थाउजेंड एंड ये हटा दो आपका दो चीज़ें फोर्टी फाइव एंड थर्टी थाउजेंड हटा दो फोर्टी फाइव थाउजेंड मटीरियल है अपसोलेट मटीरियल एंड वर्कर अंडर स्ट्राइक इट इज़ नॉट ड्यूरिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी हटाने के बाद छह लाख माइनस फोर्टी फाइव थाउजेंड माइनस थर्टी थाउजेंड यू गेट फाइव लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा फाइव लाख ,00 ट्वेंटी फाइव थाउजेंड परफेक्ट सर अभी मुझे कौन सा चाहिए ओवरहेड चाहिए सर अब्जॉप ओवरहेड कैसे आएगा तो देखो सर पहले सब कुछ क्लीन कर लेते हैं ये क्लीन कर लिया जाए या रेट है टेन रुपीज पर आवर और हमने कितना आर्स के लिए काम किया मुझे वो जानना है तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा मुझे पता चला हमने कितना आर्स के लिए काम किया एक्चुअल में फोर्टी एट थाउजेंड आवर्स के लिए काम किया है। तो सर अगर हमने फोर्टी एट थाउजेंड आवर्स के लिए काम किया है और मेरा ऑब्जॉर्ब रेट टेन रुपीज है तो टेन इंटू फोर्टी एट थाउजेंड चलो अभी मेरे को देखना है कि तुम कितना कर सकता है ओके ये डिफरेंस निकालो पहले फाइव लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फोर्टी एट थाउजेंड नहीं रहेगा रे फोर लाख एटी थाउजेंड रहेगा हाँ That is be 45, मुझे बता दो से पी एन एल में कितना जाएगा आपके है पढ़ो और पीएनएल का अमाउंट बताओ जरा चैट बॉक्स में भेजो इसमें से पी एन एल में कितना जाएगा, जाएगा? पढ़िए मेरे को लगता है आ जाना चाहिए नहीं तो कोई फायदा नहीं तुम्हारा तो पढ़ने का फिर यह देखो पीएनएल कितना जाएगा बता दो

दहल उनीशा आई थिंक यूनिशा मे बी दैट इज द नेम राजकुमार पाटिल आचल परफेक्ट ना सर अपना डिफरेंस आता है थर्टी थाउजेंड ये थर्टी थाउजेंड को अपने को एडजस्ट करने का यस सर सर यूनिट्स कितने कितने बने इधर देखिए ध्यान से यूनिट्स इधर डेटा दिया गया है इधर डेटा ऐसे दिया गया है कि सर फिनिश गुड्स तुमने बीस हज़ार बनाया और उसमें से बेचा कितना अठारह हजार तो सर अगर फिनिश गुड्स में से तुमने बीस हजार बनाते हुए उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स बेच दिया ना तो उसके कॉस्ट में बेच कितना दिया सर अट्ठारह हजार कितना आ, बेचा आ, कितना नहीं है कि, आ, कितना क्लोजिंग में है क्लोजिंग स्टॉक तो सर बीस में से ये बेच दिया तो दो हजार इधर में अच्छा क्लोजिंग डब्ल्यू ए पी इस बार थोड़ा सा एडजस्टमेंट है ध्यान से सर क्लोजिंग डब्ल्यू पी का क्या एडजस्टमेंट है क्लोजिंग डब्ल्यू पी का एडजस्टमेंट ये है

फिर सर थर्टी थाउजेंड का खर्चा एडजस्ट करने का सो थर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर थाउजेंड यू गेट वन सीपीयू देखो 30,000 थाउजेंडेड टू फाइव टू फाइव मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एटीन थाउजेंड इक्वल टू नाउ सो आता है। फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे That's your answer. Uh, we'll proceed बाद। ओ, इतना होता है तो आगे बढ़ता है काफी इजी था uh, understandable था बस तो ये कंसेप्ट खत्म हो गया आई होप चार क्वेश्चन थे एकदम मस्के की तरह खत्म हो गए ज्यादा कुछ था नहीं सर या वेरी इजी चार क्वेश्चन धड़ाधड़ खत्म हो गया ऐसा टाइम ही नहीं लगा समझो मतलब शुरू किया और खत्म हो गया वैसा वेरी इजी ओके सो या वी हैव डन स्टिल इट्स बीन लाइक टू पॉइंट टू आवर्स थर्टी मिनट्स बीच में ब्रेक वगैरह निकालो तो दो घंटा पंद्रह मिनट अगर अपन ने पढ़ा मान लो तो काफी अच्छा कवरेज हमने ट्राई किया है कवर करने का ओके okay. चलो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं अब यहां से आगे बढ़ने के लिए एक क्वेश्चन है ना थोड़ा सा ऑफ बीट है थोड़ा सा ओके okay. बस दुआ में याद रखना वैसा बोलते हैं ना अभी सुनो यहां से एक क्वेश्चन है थोड़ा सा ये अलग है जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन 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 किधर है चलो अभी अपने अपने लाइन पे आते नहीं तो ओके क्वेश्चन नंबर नाइन पे आ जाओ चलो रुको मेरे को देखने दो सोल्यूशन में अगर मैं सीक्वेंस में अभी ऊपर तो सीक्वेंस में ही करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पे आ जाओ चलो यही सिक्वेंस अपना क्वेश्चन नंबर नाइन पे आते हैं इसको देखते हैं यहां पे क्या डेटा है और फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर लेट्स थोड़ा सा पानी पी लेता है इसके बाद एक ब्रेक होगा और बाद में हम वापस मिलेंगे सुनो ना मैं क्या बोलता है अच्छा ठीक है अच्छा सुनिएगा चलो अब हम इधर ध्यान देते हैं ध्यान सुनो ये क्वेश्चन क्या है अगेन दिस इज फ्रॉम द मॉड्यूल ये टीवाई के नाइन है राइट या uh, yeah, जहां तक आई थिंक पाटिल शिवन गॉड बहुत बड़ा शिव शी, uh, मैं बोल देता हूँ शिव शिव पाटिल ओके या एग्जैक्टली सो दिस इज क्वेश्चन नंबर नाइन विच इज इन द अगेन टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चन नंबर नाइन जो आपका टी वाई के के अंदर अरे सॉरी ये नाइन है और अपने बुक में किधर है 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 अच्छा ठीक मैच मैच होता क्वेश्चन टी वाई के मैच हो जाता है देखते हैं ये क्या है फिर हम एक लेंगे मे भी हाफ एन आवर का ब्रेक वगैरह खाना पीना खा के आएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट बचा हुआ छोटा सा पार्ट मशीन आ रीट वॉज इम्पोर्टेंट नहीं इसलिए एंड में कराया जा रहा है आई एम आ सकता है चांसेस कम है नहीं आएगा ऐसा नहीं बोल रहा है बहुत कम चांसेस है आने के ऐसा

तो हम रिकवर करते हैं बाई अडॉप्टिंग सिंगल ब्लैंकेट रेट मतलब टोटल में बात करते हैं और ये रेट किस पे निकाला जाएगा बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवर मतलब हम ऐसा कुछ करते हैं परसेंटेजेज ऑफ इस कॉस्ट के हिसाब से निकालते हैं परसेंटेजेज ऑफ ये डायरेक्ट वेजेस ये अपना मेथड है रेट का डायरेक्ट वेजेस और ये टोटल में निकलेगा बिकॉज ब्लैंकेट रेट है राइट डायरेक्ट वेजेस आपका ओवरहेड ऐसे रिकवर होगा डन सर तो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ एक काम कीजिएगा यहां पे सबसे पहले टोटल कर लीजिएगा ये कितना आता है वेजेस बजट बिकॉज ऑब्जॉर्पन रेट फर्स्ट डे पे निकलता है तो फर्स्ट डे पे मैंने सोचा ये एट्टी थाउजेंड है ये थ्री लाख फिफ्टी है ये सेवेंटी है मतलब ओके okay, तो मैंने ये टोटल किया रुको हाँ तो ये पाँच लाख आ गया कि मेरा पाँच लाख का लेबर का कॉस्ट है बजटेड फर्स्ट डे पे थ्री सिक्सटी प्लस वन लाख फोर्टी प्लस वन लाख ट्वेंटी फाइव तो यह सिक्स लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मुझे क्या चाहिए

डिवाइडेड बाई सी डिट दिस आंसर वन ट्वेंटी आगे बढ़ता है okay. so आगे बढ़ते हैं और चीजें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सुनो Once you get 125%, it is 125% of wages. मतलब जब भी लेबर रिकॉर्ड होगा ना वे, वेजेस जितना भी रिकॉर्ड होगा आपका ओवरहेड 125 रिकॉर्ड होगा अगर मैंने ये 100 लिखा तो ये 125 आ जाएगा मतलब जब जब ये 100 होगा तब उसके अगेंस्ट ये 125 होगा वैसा डन ये एक ब्लैंकेट रेट है अच्छा फिर क्वेश्चन में डेटा दिया गया सुनो क्वेश्चन में डेटा दिया गया पहले बोला गया कि किन रेट निकालो एज पर करंट पॉलिसी हमने निकाल दिया इट इज वन फिर बोला है डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस एक कोई जॉब नंबर है, है हमने बोला ठीक है सर ये भी कर लेंगे सेलिंग निकालने का है। जो भी 7083 करके है, उसका तो इधर आते हैं अभी देखिएगा कैसे होगा समझिएगा से, से। अब मैं बोलूंगा ये जो जॉब है ये जॉब के ऊपर कितना मेटेल लगा कितना वेजेस लगा तो कितना मेटेरियल लगा जस्ट एट दिस कितना लेबर लगा जस्ट एट दिस तो आपको एक, ये आर्स है ये आर्स नहीं मुझे कॉस्ट चाहिए तो मैं लिख देता हूँ ये जो भी जॉब के ऊपर हम काम कर रहे हैं सर इसके अंदर कितना मटेरियल लगा कितना लेबर लगा तो लेट इज एड टेड प्लस थ्री प्लस हंड्रेड बोले तो टू थाउजेंड वन हंड्रेड इधर टू थाउजेंड वन हंड्रेड आ जाएगा सर डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं लेबर की सर टू फोर्टी प्लस थ्री सिक्सटी प्लस अंडरस्टैंड डायरेक्ट मटेरियल आ गया यस सर क्या डायरेक्ट लेबर आ गया यस सर ओवरहेड अरे सर अभी अभी एक ब्लैंकेटेड डिसाइड किया था 616 टू 125% क्या दिमाग में जाता है 616 टू 125% फर्स्ट डे पे डिसाइड कर लिया था अब्सॉर्प्शन रेट फर्स्ट डे पे सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए हम अब्सॉर्प्शन रेट फर्स्ट डे पे डिसाइड कर लेते हैं इट वाज 125% फिर 660 का plus 660, plus 2100, क्या बोलते शिव पाटिल थ्री फाइव एट फाइव ये मेरा कॉस्ट हो गया सर ये मेरा फैक्ट्री कॉस्ट हो गया सर इसके बाद भी कुछ ऐड करना है सर इसके बाद क्या ऐड करना है देखते जरा सुनो ये ऐड करने के बाद क्वेश्चन में बोला है और भी खर्चा होगा सुनो आपका जो भी फैक्ट्री कॉस्ट आएगा ना थर्टी परसेंट फैक्ट्री कॉस्ट पर कर दीजिएगा एडमिन और सेलिंग एंड प्रॉफिट के लिए सब कुछ मिला के

ट याइस थ्री फाइव एट फाइव विच इज फोर सिक्स सिक्स जीरो बताइए क्या ये आपको क्लियर है फोर सिक्स जीरो पॉइंट फाइव जीरो करके इफ दैट क्लियर हम आगे बढ़ते हैं। आपका पहले पॉलिसी के हिसाब से आंसर है हेलो आई होप दैट इज क्लियर नाउ वी कैन प्रोसीड अड देखते है ओके okay. बैड बैड की हालत खराब हो जाती है नाउ अंडरस्टैंड चलो ये हो गया सर पहला पार्ट डिपार्टमेंटल रेट कंपनी फॉलो कर रहा था सॉरी ब्लैंकेट रेट फॉलो कर रहा था अब सर सजेस्ट एनी सुटेबल ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड तो सर कोई सुटेबल मेथड बताओ अगर आप मेथड बता ही रहे हो तो उस हिसाब से रिकवरी रेट भी निकाल देना फिर रिकमेंडेड बाय यू जो आपने मेथड बताया है

कौन सा मेथड फॉलो हो तो होना चाहिए तो देखो एक है मशीन आर्स का डेटा एक है लेबर आर्स का डेटा ज्यादा काम किसके मशीन के थ्रू से मगर मशीनिंग डिपार्टमेंट है ये ट्वेंटी थिंग्स आर डन विदीन तो आई कैन से मशीन आवर मैथ इज बेटर तो पहला डिपार्टमेंट के लिए मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए कौन सा डिपार्टमेंट आवा, मशीन आवर मैथड इज बेटर होता है लेबर के थ्रू से मशीन कम वो ज्वाइन करने के लिए वर्कर रखे हुए लोग ज्वाइन करते हैं प्रोडक्ट्स को तो सर लेबर आवर मेथड बिकॉज वहां पर मेजोरिटी ऑफ द काम असेंबली में लेबर आवर के थ्रू से तो लेबर आवर मैथड सर पैकिंग में पैकिंग में था, था अच्छा पूरा ही लेबर ही है पैकिंग मशीन से नहीं वर्कर ही पैक करता है प्रोडक्ट आता है पैक करता है ऐसा वर्कर ही एवरीथिंग आवर्स आवर्स तो लेबर पैकिंग के लिए भी लेबर आर्स तो सर अगर ये है तो सर रेट निकाल के भी बता दो अपने मेथड तो बता दिया अभी ऑब्जॉर्बन रेट भी निकाल लो हमने बोला ठीक है अच्छा तो अभी हर एक डिपार्टमेंट का ओवरहेड कितना है देखो ऐसा किया जाएगा आपने ये बोला तो आप बोलोगे सर तीन लाख साठ हजार का खर्चा है

ये आपके रेट्स आ जाएंगे सेकंड वाला है मेथड बताओ ब्लैंकेट करके लिए डिपार्टमेंटल पे, पे जाओ और अगर डिपार्टमेंटल है तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए कौन सा मेथड और उसका रेट भी निकाल लो ओवर पहले वाले के लिए दूसरे दो के लिए डिवाइडेड लेबर आवर्स उसके बिकॉज वो मेथड है थर्ड थर्ड सर थाँग में क्या पूछा है सर थर्ड में पूछा है सजेस्ट सुटेबल मेथड हो गया नाउ डिसाइड द सेलिंग प्राइस बेस्ड ऑन दिस आपने अभी ये जो नया मेथड लाया ना सेकंड वाले पार्ट में अच्छा बता देंगे सर सिंपल है मटेरियल तो इतना ही लगेगा देखो ये तो सेम रहेगा

डायरेक्ट लेबर अच्छा पहले मशीनिंग के लिए कौन सा अर्स बोला है? अब, मशीन तो मशीन कितने लगते है देखो ये मशीन है ये वाले तो ये कितने लगते हैं और, और, है और लेबर कितने लगते है? वो देखो जब जब वर्कर का काम होगा तब तब रिकवर होगा ये कर लीजिए यू कैन गेट द टोटल एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर आई डोंट थिंक दैट इज डिफिकल्ट फोर पॉइंट एट इन टू वन एटी एम प्लस इंटू वन टी एम टू पॉइंट आ जाएगा then 2100 plus 660 plus you you get 3838, plus 30 plus 30%. You get admin profit आपका आंसर रहेगा much manageable I don't think it is that difficult करके एक और part and this question is done चलिए बताए क्या यहाँ से आगे बढ़े हम लोग hello दैट इज डन हम यहां से आगे बढ़ते हैं बताइएगा बोलो जरा ट्वेल्व फिफ्टी फाइव को बोला था अब एक बच गए अरे बबा यस सालिमा दैट इज राइट ओके चलो ना अरे एक क्या एक्टिव एक 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 कोई एक्टिव एक है नहीं क्या दूसरे लोग अंजलि हर्षद्धा देवेश याद का कुछ लोग थोड़े पीछे लगता है हा थोड़ा सा वो फॉरवर्ड करके लाइन पे आ जाने का सुनिए इतना होने के बाद इतना होने के बाद एक चीज और बोला है लास्ट में वो भी खत्म कर लेते हैं फोर्थ पार्ट सर फोर्थ पार्ट में देखो क्या बोला है मैं एक बता दूंगा तो दूसरा तुमको समझ में आ जाएगा क्या कैलकुलेट करने बोला है तो फोर्थ में बोला है डिपार्टमेंट वाइज आप बताओ अंडर रिकवरी हुई है कि ओवर रिकवरी ऑन कंपनीज करंट पॉलिसी एंड द मेथड रिकमेंडेड बाय यू तो देखो सबसे पहले आपको ओवर या अंडर ऑब्जॉर्ब निकालना है ना तो सबसे पहले निकालो कि कितना हुआ रहेगा दोनों तरीके से निकालना है करंट पॉलिसी से कितना अंडर ओवर ऑब्जॉप है और बेस्ड ऑन और आपने जो मेथड बताया वो तो ओवर अंडर देखो कंपनी का करंट पॉलिसी क्या है अपने निकाला था अभी पहले में ही कंपनी का करंट पॉलिसी है इट इज वन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ वेजेस डिपार्टमेंट वाइज निकालने बोला है तो मैं काम करूंगा करंट पॉलिसी के हिसाब से सिंपल है Simple, आपको क्या करने वाले में डिपार्टमेंट में एक मशीनिंग है एक असेंबली है एक पैकिंग है

टू लैख सेवेंटी टू वन टी और आपका एक्चुअल में खर्चा कितना है थ्री लैख नाइनटी तो क्या आ जाएगा सर ये एक्चुअल खर्चा है ओवरहेड का और आपने ऑब्जॉर्ब इतना किया है थ्री लैख नाइन्टी माइनस वन लाख ट्वेंटी यह हो गया आपका अंडर ऑब्जॉर्ब क्या समझा गया चलो अगर आपको ये समझा है तो आप मुझे पैकिंग वाले का बता दो आई विल कम टू नो कि तुमको समझा है एज पर करंट पॉलिसी वन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ वेजेस चैट बॉक्स में आंसर चाहिए तो सर वेजेस का खर्चा हुआ कितना है जब जब खर्चा होगा तब तब हम रिकॉर्ड करेंगे हमने कितना ऑब्जॉर्ब किया रहेगा अब्जॉर्ब कितना किया रहेगा बताओ खर्चा अगर 90,000 थाउजेंड का हो गया तो तब मैंने वन ट्वेंटी फाइव परसेंट मतलब वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड किया वन ये ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड और मैंने पे कितना किया रहेगा सर तो मैंने पे कितना किया है? फैक्ट्री वर्ड वन थर्टी फाइव पे किया है इट मीन टू लै ट्वेंटी थाउजेंड फाइव आपका अंडर ऑब्जॉर्ब आ जाएगा सेम अच्छा, वे आप करंट पॉलिसी में निकालोगे करंट पॉलिसी में कैसे करोगे देखो करंट पॉलिसी में मैं मैं मशीनिंग का बता देता हूं हेलो 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 ये दिमाग के ऊपर से जा रहा है ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड लेट मी चेक ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड अपने जो भेजा था या परफेक्ट सो आचल राजकुमार सालिमा दैट इज राइट आंसर अंडरस्टैंड दिस लास्ट या शिव दैट इज राइट आंसर लास्ट एक देख लो करंट पॉलिसी करंट पॉलिसी क्या है तुमने तीन रेट्स निकाले करंट पॉलिसी में तुमने तीन रेट्स निकाले दैट इट मैं फोर पॉइंट फाइव पर मशीन आवर ले लेता हूं तो करंट पॉलिसी में अगर मैं देखूंगा फोर पॉइंट फाइव पर मशीन आवर तो कितना काम हो गया है मशीनार्स का 96,000 सिक्स थाउजेंड तो मैंने अब्जॉर्ब कितना किया रहेगा नाइनटी सिक्स थाउजेंड इंटू फोर पॉइंट फाइव तो आई मस्ट और पेमेंट कितना हुआ है थ्री लैख नाइनटी का थ्री लाख नाइन्टी का तो फोर लाख थर्टी टू थाउजेंड माइनस थ्री लाख नाइन्टी वट फोर्टी टू थाउजेंड ये, ये अब्जॉर्ब है और ये एक्चुअल है तो अब्जॉर्ब वाला ज़्यादा है इसको ओवर ऑब्जॉब बोल देंगे फोर्टी टू थाउजेंड चलो मैं एक बार ए का बता देता हूँ का लेबर आवर के हिसाब से आएगा और पर आवर का रेट क्या है वन पॉइंट फोर तो मैं बोलूंगा कितना रस काम हुआ भाई तेरे डिपार्टमेंट में तो बोलते हैं सर असेंबली के अंदर काम हुआ है ना इतना काम हुआ है लेबर आवर्स का नाइन्टी थाउजेंड आवर्स का तो नाइन्टी थाउजेंड इंटू वन पॉइंट फोर जो उसका रेट था तो इतना ऑब्जॉर्ब कर लिया रहेगा वन लाख ट्वेंटी सिक्स और पेमेंट कितने का किया है सर पेमेंट तो एटी फोर थाड काउजेंड का आपका ऑब्जॉर्प्शन आप आप वाला सो so, ये क्वेश्चन इधर खत्म होता है हेलो एवरीबॉडी सो दिस क्वेश्चन इज ओवर नाइन्थ क्वेश्चन इज ओवर नाउ एक मशीन आवर वाला कंसेप्ट है जिसके अंदर चार क्वेश्चन है एक दो तीन चार

ब्रेक लेके आधे घंटे का करते हैं सर अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड है तो मैं करते ना तो मैं अकेला पढ़ाएगा क्या खुद को वैसा इफ इफ यू यू आर आर नॉट इंटरेस्टेड लेट मी नो ब्रेक 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 करते हैं चलेगा ठीक है चलो तो कुछ लोग हैं जो बैठेंगे हाफ एन आवर का ब्रेक लेते हैं अच्छे से खा पी लो थोड़ा राउंड बूंड मारो मिलते हाफ आवर के बाद और आगे की इंटरेस्टेड uh, या तो चलिएगा बिकॉज तुम खुद से तो कर नहीं पाओगे गारंटीड है टाइम मिलेगा नहीं अपने को या हाफ एन आवर का ब्रेक लेते हैं वी विल मीट आफ्टर हाफ एन आवर ओके गाइस सो नाउ आई थिंक यू आर लाइव पर धीरे uh, धीरे आ जाओ चलो सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द थिंग्स ओके लेट्स सी दिस या सो यहां पे अभी ओके okay, स्नेहा आंचल सालिमा ओके आई नो ब्रेक के बाद तो बहुत ज्यादा हालत खराब रहती है बट ठीक है आई कैन जस्ट टेल यू उसके बाद भी आप कवर नहीं कर पाते जो लोग ब्रेक के बाद नहीं आ पाते लोग बाद में भी नहीं देख पाएंगे बिकॉज यू यूट भी द टाइम बट दैट्स ओके नाउ अपना प्रॉब्लम नहीं है वो आई एम जस्ट सेइंग दैट ओके चलो देखते हैं यस सर हेलो शुरू करते हैं या बिकॉज वंस यू टेक द ब्रेक आपकी इच्छा नहीं होती है वापस आने की वैस कि क्यों या फिर बाद में दिक्कत आती है ड्रेक शाह ओके या चलो शुरू करते वट एवर इज पेंडिंग लेट इज लुक एक बार फिनिश कर देते हैं सुनिए सर कौन से क्वेश्चन पेंडिंग थे जरा देखिएगा यहाँ पे सुनना ये हमने अभी तक क्या किया हमने तीन चीजें पढ़ी है वैसे पहले हम लोग वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन फिर छह मेथड्स थे आपके ऑब्जॉर्बशन रेट निकालने के फिर हमने एक सप्लीमेंट्री रेट वाला पढ़ा वो वाला पढ़ा इफ यू रिम्बर दैट यस ओके चलो अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे ओके चलो अभी हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा क्या है uh, सोचो ग्यारह लाइव बचा है खाली ग्यारह खाना खाने के ब्रेक के बाद ओनली ग्यारह लोग हैं चलो नेवर चलिएगा शुरू करते सुनिएगा सर अगर हम इधर देखेंगे आप इधर 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 दर्द वाला हो गया ये भी हो गया है मशीना रेड बाकी है बस ये लाइन में तो हो चुका है नाइन तक हो चुका है 10, 11, 12, 13, 14 pending है 13 pending है है से से भी हो चुका है. अभी वाले पार्ट में सुनिएगा ध्यान से समझना क्या समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर एटीन एंड देन अच्छा पहले नाइनटीन पे आते हैं थोड़ा सा अलग है 19 पे आते गना डू, uh, something else, uh, जो बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे आ जाइएगा गाइज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे एक सेकेंड झा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आवे लुक क्वेश्चन नंबर नाइनटीन कौन सा नंबर एक बार बता देना क्वेश्चन नंबर नाइनटीन के लिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वी आर डूइंग लेट्स सी दिस अरे यार ये ऐसे क्यों हुआ ओके okay. सो so, बराबर नहीं आता है ठीक है

फिक्स ओवरहेड्स को रिकवर करती है सर कैसे करती है आर रिकवर्ड एज अ फिक्स परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस मतलब फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से रिकवर किए जाते हैं ओके सर एंड एडमिन ओवरहेड कैसे रिकवर किए जाते हैं आर ऑब्जॉर्ब एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट और ये फैक्ट्री कॉस्ट पर रिकवर किए जाते हैं अगर मैं सिंपल बोलूँ तो जितना भी आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा उसका कुछ परसेंटेजेस निकालना आपका फैक्ट्री आ जाएगा cost, के पे, उसका कुछ परसेंटेजेस निकालना आपको क्या जाएगा आपका एडमिन इज सम परसेंट वही नहीं पता और वही निकालना रहेगा इट इज कितना परसेंट ऑफ योर अब डिरेक्ट फैक्ट्री वर्ल्ड जो है और एडमिन कितना परसेंट रहेगा फैक्ट्री कॉस्ट दैट इज नॉट दैट इज वॉट आर आस्किंग और इसके लिए कुछ डेटा दिया गया है ये दो जॉब्स है जिसका डेटा है इसमें ओवरहेड वाला पार्ट ही पेंडिंग है जो हमें ऐड करना है तो पहले वो दो परसेंटेज निकालने पड़ेंगे सुनना अच्छा दो डेटा है यहाँ पे दो जॉब्स का अभी सुनना यहां पे लिखा गया है कंप्यूट करना है परसेंटेजेस निकाल लो फैक्ट्री ओवरहेड वाले और एडमिन वाले वालेटेजेज कि फैक्ट्री ओवरहेड की परसेंटेज किस चीज पर डिपेंड करते हैं डायरेक्ट वेजेस पे और एडमिन वाले किस पर डिपेंड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स पे चलो परसेंटेज निकालो

हाँ uh, हेडिंग देने के बाद अंडरस्टैंड आई विल सर पर्टिकुलर्स यहाँ पे एक जॉब वन है और एक जॉब टू है जो भी नंबर आएगा मैंने जॉब वन जॉब टू लिख दिया है सुनो अगर मेरे पास क्वेश्चन में डेटा है देखो अभी आपको क्या पता चलेगा सर हमें यह पता चलेगा इस डेटा से कि सर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल होता है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करोगे तो सेल्स होता है ओके okay, सर अभी क्वेश्चन में ना कुछ तो डेटा है सर क्या डेटा है देख लीजिए दैट यूर प्रॉफिट इज टेन परसेंट ऑफ कॉस्ट वेन आई से प्रॉफिट इज टेन परसेंट ऑफ कॉस्ट मतलब अगर कॉस्ट हंड्रेड है तो प्रॉफिट टेन रहेगा और ये वन वन जीरो सेलिंग प्राइस बन जाएगा बिकॉज प्रॉफिट इज टेन परसेंट ऑफ कॉस्ट और अगर मैं जॉब वन जीरो टू के लिए बात करूं इट इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ कॉस्ट तो अगर ये है हंड्रेड तो ये ट्वेंटी होगा ये वन ट्वेंटी होगा क्या तीनों में से आपको कोई भी एक चीज पता है हाँ ये पता है कॉस्ट सेलिंग प्राइस पता है तो क्या सर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ढूंढ सकते हैं बिल्कुल जी वन सिक्स बाई वन वन जीरो इन टू हंड्रेड या मे ट्वेंटी टू में ये क्वेश्चन आया था मे ट्वेंटी टू में एक्सैक्टली exactly. कहीं पे तो आया था आई वॉज जस्ट नॉट अवेयर कुछ सालों पहले मतलब अभी अभी आया था ये तो फिर ओके okay.

वापस हम अभी यहां पे लिख देंगे पर्टिकुलर्स ध्यान से देखिएगा सर पर्टिकुलर्स देन एक्स और फिर वाई एक्स वाई नहीं सॉरी जॉब वन जॉब टू दो जगह पे हम काम कर रहे हैं जॉब वन जॉब टू ध्यान से सुनना अभी जॉब वन और जॉब टू पे जब हम काम कर रहे हैं सर मटेरियल लग रहा है लेबर लग रहा है डन सर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड देन यू गेट प्राइम कॉस्ट डायरेक्टली राइट डाउन द प्राइम कॉस्ट दोनों को ऐड करके अगर मैं इसको करूं करूँ तो इसका प्राइम कॉस्ट मिलेगा इसको करूं करूँ तो इसका प्राइम कॉस्ट मिलेगा लेट मी एड दैट दैट इज वीडियो को आप टू एक्स पे लेके आगे आ जाइएगा फिफ्टी फोर थाउजेंड प्लस फोर्टी टू थाउजेंड सेकेंड जॉब कॉस्ट रॉन्ग है ऐसा है क्या वन जीरो सिक्स वन जीरो सिक्स एट सेवन फाइव है अच्छा एक जीरो ऐड ज्यादा हो गया बराबर है एक ज़्यादा हो गया है या दैट इज प्लीज चेक दिस परफेक्ट डायरेक्ट मेटल डायरेक्ट लेबर अगर थर्टी थाउजेंड सर ये आ जाते हैं सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो मेरे पास आ जाता है प्राइम कॉस्ट सर प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड होगा फैक्ट्री ओवर हेड एंड फैक्ट्री ओवर हेड इज समर्सेंटेजेज ऑफ दिस अच्छा मुझे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो पता है देखो मेरा लेबर कॉस्ट कितना है इधर फोर्टी टू थाउजेंड है दैट आई नो बट सर मतलब क्या हो जाएगा देखो जरा आप बोल दोगे फोर्टी टू थाउजेंड इन टू एक्स डिड बाई हंड्रेड इज उसका एक्स परसेंटेज निकाला जाएगा ना So when you do this, थोड़ा सा आपको आता हो तो ये जीरो जीरो कट हो जाएंगे जीरो जीरो कट हो जाएंगे और ये बन जाएगा फोर ट्वेंटी अगर ये मैं फोर ट्वेंटी लिखता हूं मैं चाहता हूं अब सेकंड वाले का आंसर दो सेकंड वाले का आंसर चैट बॉक्स में भेजो अगर ये फोर ट्वेंटी एक्स है तो जॉब टू के लिए कितना एक्स आ जाएगा देखिए सर आंसर भेजो एक्स डिवाइड बाई हंड्रेड लेबर कॉस्ट का डबल जीरो कट हो जाएगा थ्री हंड्रेड एक्स आ जाएगा हेलो कुछ आया कि नहीं आया दैट इज गोइंग टू बी या दैट इज राइट आंसर टोटल आई विल गेट फैक्ट्री कॉस्ट नाउ इफ आई टेक द टोटल द आंसर दैट विल गेट इज योर फैक्ट्री कॉस्ट चलो देखते हैं

प्लस फोर ट्वेंटी एक्स दिस इज योर फैक्ट्री कॉस्ट और इसका हम निकालेंगे वाई परसेंटेज दैट इज वाई डिवाइडेड बाई हंड्रेड नाउ इफ यू डू दिस आपको पता है ये दोनों से इंडिविजुअल ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो कट होगा डबल जीरो डबल जीरो तो ये नाइन सिक्सटी ये बचेगा वाई नाइन सिक्सटी वाई बचेगा Then, ये डबल जीरो अगर इधर कट करूंगा तो ये दो जीरो गए और इधर का एक जीरो और इधर तो ये फोर पॉइंट टू बच जाएगा हेलो डिवाइड बाई हंड्रेड करना है और फिर वाई लिख देना यहाँ पे डिवाइड बाई हंड्रेड कर दीजिए डिवाइड बाई हंड्रेड फिर वाई लिख दीजिए आगे वैसा तो फोर ट्वेंटी डिवाइडेड बाई हंड्रेड फोर पॉइंट टू तो प्लस फोर पॉइंट टू वाई एक्स वाई सॉरी फोर पॉइंट टू के बाद एक्स भी है ना तो फोर पॉइंट टू एक्स एंड देन वाई लिख दीजिए आई होप दिस इक्वेशन इज क्लियर प्लीज ट्राई टू मेक दिस फॉर योर दिस वाला पार्ट

सॉरी oh, आपका टोटल कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज टोटल कॉस्ट और कोई खर्चा है नहीं सो नाउ योर इक्वेशन इज 96,000 थाउजेंड प्लस फोर ट्वेंटी एक्स प्लस नाइन प्लस फोर पॉइंट टू एक्स वाई देन सिक्सटी सेवन फाइव हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड एक्स प्लस

प्लस फोर ट्वेंटी एक्स प्लस नाइन सिक्सटी वाई प्लस फोर पॉइंट टू एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है वो मुझे पता है मुझे ऑलरेडी पता है मेरा टोटल कॉस्ट कितना है। मैंने निकाल के रखा है सर वन लाख फिफ्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन लाख फिफ्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये मुझे पता है देन अगर मैं यहां पर बताऊं तो ये जो इक्वेशन है दैट इज सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड एक्स प्लस सिक्स सेवेंटी फाइव वाई प्लस थ्री एक्स मिला के 106875 106875 ये आपका आंसर है अब इसको सॉल्व करना होता है दो इक्वेशंस बन गए उसका कॉस्ट पता है अब थोड़ा सा मैथ्स थोड़ा सा मैथ्स समझना अभी यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ ये इक्वेशन में कॉपी करता हूँ अब मुझे ना दोनों इक्वेशन में कोई तो चीज कॉमन चाहिए लेकिन कॉमन है नहीं कट होने के लिए तो देखो मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करता हूं तो दो चीजें कॉमन तो है 420 का 300 हंड्रेड है एंड फोर का 3 है तो सर मैं पहले वाली इक्वेशन कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि वो सेम हो जाएगा या तो चलो दूसरे वाली इक्वेशन को सॉरी चलो दूसरे वैसे करना है तो दूसरे वाले इक्वेशन को मैं कितने से मल्टीप्लाई करू मतलब मैं 300 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 420 आ जाएगा तो आई विल से 420 डिवाइडेड बाय थ्री इट मीनस अगर मैं वन पॉइंट फोर से मल्टीप्लाई करता हूँ ना इसको थ्री हंड्रेड को थ्री हंड्रेड इंटू वन पॉइंट फोर करता हूँ तो ऊपर फोर ट्वेंट तो नाउ मल्टीप्लाई एवरीथिंग बाई वन पॉइंट फोर प्लीज अंडरस्टैंड बिकॉज कॉमन नहीं थी चीजें तो आपको या तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो कि ऊपर वाले को थ्री से मल्टीप्लाई करो ये और नीचे वाले को फोर पॉइंट टू से दैट इज ऑल्सो ओके क्रॉस मल्टीप्लाई चलो वही बेटर है या तो जैसे भी आप करो आपको जो कंफर्टेबल लगता है देखो अच्छा ऐसे करने का क्या कॉमन है तो ये रहने दो ये शायद नहीं समझ में आता फोर ट्वेंटी है ये थ्री हंड्रेड है ये फोर पॉइंट टू फाइव काम करते कॉमन है तो ये थ्री को है ना ये थ्री थ्री है थ्री हंड्रेड है तो यहाँ पे ऊपर थ्री कर दो और ये जो कर दो, तो भी चलेगा एंड यू कैन सॉल्व इफ यू अंडरस्टैंड दिस सो मैं चलो थ्री इंटू इन सिक्स थाउजेंड थ्री इंटू इंटू नाइनटी सिक्स थाउजेंड इज टू एट थाउजेंड प्लस

या 1.4 समझता है तो ठीक आप वैसे करिएगा ओके या तो आप ऐसे करो तो भी चलेगा या तो आप सीधा एक शॉर्टकट है इसको आप 1.4 करो तो भी चल जाता है तो भी इक्वेशन सेम आ जाता है जैसे भी बस आंसर आना चाहिए भी 4.2 को पूरी चीज से मल्टीप्लाई कर दो 4.2 67500 4.2 67500 300 1260 x

या राजकुमार आंसर निकाला है आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको निकाल सकते हो आप आंसर निकाल दीजिएगा फोर्टी फाइव आई प्लस चार हजार पाँच सौ बचेगा आना चाहिए जैसे भी करो अब जो मेथड फॉलो करना है मैथ्स का करो शॉर्टकट वगैरह करके लेकिन एट दी एन आपका चाहिए अगर वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी आ जाता है तो आप इसको इक्वेशन में पुट कीजिएगा किसी भी पहले वाले इक्वेशन या जो भी इक्वेशन आपको लगता है या पलक दैट इज राइट आंसर राजकुमार दैट वॉज राइट या सो इफ यू पुट दैट इन एनी इक्वेशन यू विल गेट एक्स का आंसर ऑल्सो यह हर्षदा दैट इज़ राइट नाउ यू पुट दैट इन टू एनी इक्वेशन जैसे कि जैसे देखो ये मैं इस इक्वेशन में वाई का वैल्यू पुट कर देता हूँ तो आई नो 96,000 सिक्स थाउजेंड प्लस फोर ट्वेंटी एक्स प्लस नाइन सिक्सटी टू वाई पता है तो नाइन सिक्सटी टू ट्वेंटी फाइव इज़ ट्वेंटी फोर थाउजेंड प्लस फोर पॉइंट टू इंट ट्वेंटी फाइव दैट इज़ वन जीरो फाइव एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू ये आप सॉल्व कर दीजिए अपने हिसाब से देन

कि आपको ये वाला पार्ट क्लियर है हेलो ये नाउ ये अपने हिसाब से आप कीजिए यू विल गेट दी आंसर नाउ तो सर पहले पार्ट का आंसर आ गया एक आंसर ट्वेंटी फाइव था और एक आंसर सिक्सटी था नाउ इसके बाद अभी अगर हम आगे बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एडमिन ओवरहेड एंड प्रॉफिट ऑफ टू जॉब्स अभी आपको फैक्ट्री uh, यूनिट की अमाउंट बतानी है एडमिन ओवरहेड और प्रॉफिट ऑफ ईच जॉब मतलब पूरे कॉस्टिटी बनाने बोला है सुनो तो कॉस्टिट बनाना इजी है मैं यहां पे बस बनाया हुआ है मैं आपको बता देता हूं सुनिएगा वी हैव द सॉल्यूशंस आई विल जस्ट गिव यू द मार्किंग काफी इजी है अभी आपने जितना लिखा है उसमें आगे देखना किधर है भाई मिलो पता नहीं किधर लिखा है रखो हाँ ये देखो अब आपने ये जब आंसर निकाल दिया ना दोनों इतना वाई इतना जस्ट मेक द कॉस्ट शीट देखो पहले जॉब वन देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखते जाइएगा यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ अरे यार क्वेश्चन और ये प्रॉब्लम यही है कि एक ही जगह पे देखो क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखू आपका मेटर कॉस्ट कितना इतना है देन आपका लेबर कॉस्ट कितना है एंड

लेबर कॉस्ट जो है प्रॉफिट दिया तो मेरे को लगता है ये हो जाएगा मटेरियल ट्वेंटी फोर और ये ट्वेंटी है फिर आपका प्राइम का ये फैक्ट्री रोड विल बी सिक्सटी परसेंट ऑफ योर लेबर कॉस्ट देन ये प्राइम कॉस्ट का आएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट देन प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है बस ये प्रॉफिट इज ट्वेल्ल पॉइंट फाइव परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस है ध्यान रखना ट्वेल्ल पॉइंट फाइव परसेंट वन पॉइंट टू मतलब पॉइंट फाइव तो ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस का मतलब देखो क्या होता है कि अगर ये ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस है मतलब सेल्स हंड्रेड है तो ये 87.5 है यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू कैन गेट दी आंसर वेरी मच मैनेजेबल इजीली आपसे हो जाएगा क्या बोलते हो यस सर नाउ अगर हम देखेंगे तो चलो अभी अगर हम देखेंगे यहां पे तो अंडरस्टैंड दिस ये होने के बाद अभी एक ही चीज बची है वैसे तो और दूसरे छोटे मोटे क्वेश्चंस है बट द मेन थिंग विच इज रिमेनिंग इज दिस नो मशीन आर रेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन अंडर ओवर ऑब्जॉर्बन का ट्रीटमेंट भी बता दिया नाउ समथिंग दैट मीन्स इज दिस मशीन आर रेट क्या बोलते हैं इसको भी कर ही लेते हैं थोड़ा फोर्टी फाइव मिनट्स लगेगा या एक घंटा पर खत्म ही कर लेते हैं हेलो मशीन आर रेट आई डो नॉट एक्सपेक्ट इन दिस एग्जामिनेशन एज सच इट हैज लाइक इट केम ये वाला क्वेश्चन आया था लास्ट अटैम में ये खाली एक रोबोट वट डाल दिया था डेट तो ये वाला क्वेश्चन आया था एक्सेप्ट एक रोबोट का वर्ड डाल दिया था किधर गया ये क्वेश्चन इसको रहने देते फिर ना ठीक है चलेगा सो दिस इज समथिंग दैट वाज देयर वी कैन से दैट इतना था आपका पार्ट एस सच दिस इज डन मशीन आर दे दे आस्क सो आई एम नॉट डूइंग दे उन्होंने पूछा था एक्चुअली एक मशीन का खर्चा निकालना होता है वो डिवाइड सर एक या दो कॉम्प्लिकेटेड सम करवा दो इफ पॉसिबल uh, तो कर लेते हैं सुनो व्हाट इज मशीन ना रेट एक बार फटाफट पड़ समझ लो चलो वॉट एवर पब्लिक सेज जितने ज्यादा लोग बोलेंगे अकॉर्डिंग टू मी एट सच नॉट गोइंग टू कम यू मैन नेवर नो इट कैन कम कंप्लीटेड चलो देख लेते हैं लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज मशीन रेट ध्यान ध्यान से से सुनिएगा चलो हाँ देखो मैं क्या बोलता हूं अपने फैक्ट्री के अंदर अपन ने क्या बोला सर कंपनी का रेट मत लगाओ कंपनी के अंदर जो डिपार्टमेंट है ना वो वाला रेट लगाओ डिपार्टमेंट का मैं बोलता हूँ सर डिपार्टमेंट का रेट भी नहीं एक डिपार्टमेंट के अंदर मशीनरीज रहेंगी अभी देखो मैं क्या सोचूंगा अगर ये मेरा डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट के अंदर चार मशीनरीज रहेंगी तो लेटर से इस डिपार्टमेंट के अंदर एक मशीनरी है एम और भी मशीनरीज रहेंगी तो एम वन के लिए मेरा क्या क्या खर्चा होता है मे बी मेरा रेंट जो है ना रेंट वो चार हजार रुपया है मेरा रेंट जो है वो चार हजार रुपया है लेकिन सर ये जो एम वन है वो वन फोर्थ एरिया ही ऑक्यूपाई करता है तो इसके लिए रेंट कितना रहेगा वन फोर्थ मतलब वन थाउजेंड फिर मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल जितना भी इस डिपार्टमेंट का आता रहेगा उसमें से इस एम वन के लिए कितना एम वन का डेप्रिसिएशन सब कुछ एक प्रोडक्ट का निकाल एक मशीन का निकाल लो कि बिकॉज देर आर वेरियस मशीनरीज एक मशीन का क्या निकाल लो आप कॉस्ट

छोटा सा क्वेश्चन है ख़त्म कर देते हैं चलो मशीना रेट में सर मैंने है ना मैंने एक मशीनरी ली है एक लाख की चलो मैं इधर स्प्लिट कर देता हूँ जिससे हम पहले कॉस्ट निकालेंगे सर मैंने ना इतने कुछ तीन चार पाँच एक करोड़ की मशीनरी खरीदी है जो दस साल तक चलने वाली है और जिसकी स्क्रैप वैल्यू नाइनटी है तो चलो सर क्या आप हमें डेप्रिसिएशन बता सकते हो बिल्कुल जी सर क्वेश्चन नंबर टेन डेप्रिसिएशन कितना आएगा हंड्रेड लैक्स माइनस नाइन लैक्स डिड बाई टेन देखो आपका एक करोड़ माइनस नाइन लाख आपको दस साल डिवाइड करूंगा तो एक साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा सुनो रिपेयर अच्छा मुझे अभी एक सिंपल रखना है मुझे देखो कोई भी खर्चा लेते टाइम खुद से ये पूछना इज इट फॉर वन मशीन इज इट फॉर वन ईयर टूस टू क्वेश्चन टू ये एक मशीन का एक साल का खर्चा निकालना है ये मेरा, है। Now, मेरा ये जो खर्चा है ना रिपेयर का ये होल लाइफ का है। मुझे होल का नहीं मुझे एक साल का चाहिए तो रिपेयर का खर्चा कितना आ जाएगा तो मैं बोलूंगा सर एटीन लैक इज माई कॉस्ट डिवाइडेड बाई टेन ईयर बिकॉज ये लाइफ है तो ये वन लैक एटी थाउजेंड आ जाएगा जो मेरा रिपेयर का खर्चा हो जाएगा ये मेरा रिपेयर का खर्चा है रिपेयर के बाद मशीन इज़ एक्सपेक्टेड टू रन फॉर मेनी आवर्स इट इज रिटर्न मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर फोर थ्री एट जीरो अभी इलेक्ट्रिसिटी अभी इलेक्ट्रिसिटी समझना देखो कैसे होगा फिफ्टीन यूनिट्स एक घंटे में कंज्यूम किए रेट पर सबसे पहले हम काम करने वाले फोर थ्री एट जीरो आवर्स के लिए एक साल में पर ईयर और एक घंटे में पंद्रह यूनिट कंज्यूम होता है फोर थ्री एट जीरो आवर्स काम करेंगे इंटू फिफ्टीन एक घंटे में फिफ्टी यूनिट कंज्यूम होते हैं इतने यूनिट्स कंज्यूम होंगे मशीनरी के मीटर की मैं बात कर रहा हूं और एक मीटर का दिस इज रिलेशन नंबर सिक्स इन द मॉड्यूल और एक ये एक एक, एक यूनिट काम को कितना रुपया पे करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी वाले को पांच रुपया पे करना पड़ता है फोर थ्री एट जीरो इंटू फिफ्टीन इंटू फाइव क्या बोलता है समझा देन रेंट देन रेंट की बात करते हैं तो अगर मैं रेंट की बात करूं यहाँ पे तो अंडरस्टैंड रेंट 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 रेंट, रेंट, रेंट आ, आपका यहाँ पे इट्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज हो गया देन द मशीन ऑक्यूपाइज वन फोर्थ एरिया ऑफ द ये बोला गया है एंड हैज टू लाइट पॉइंट्स देखते हैं ये दो इंफॉर्मेशन है क्या क्या एक तो हम कितने एरिया ऑक्युपाई करते हैं वन फोर्थ एरिया ऑक्युपाई करते हैं मशीन ऑक्युपाइज वन फोर्थ एरिया एंड टोटल दस लाइट पॉइंट है 10 में से इस मशीन के लिए थर्टी थाउजेंड अगर मंथली है तो इनटू तो 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 क्या हो जाएगा ट्वेल्व ये भूलना मत बिकॉज तो मैंने ऊपर क्या लिखा है एक मशीन का एक साल का खर्चा तो थर्टी थाउजेंड इंटू ट्वेल्व करने से पर एनम तो हो गया

तो हम फोर light, light into into तो तो मैन को नाइनटीन टू हंड्रेड की सैलरी एक महीने का देते तो बारह महीने का कितना

आपका इंश्योरेंस है वन परसेंट तो इंश्योरेंस निकाल लो अच्छा इंश्योरेंस हमेशा वैल्यू ऑफ असेट पे निकलता है सर्विस कॉस्टिंग में भी याद रखना वैल्यू ऑफ असेट तो वैल्यू आपका सौ लाख का है असेट का तो उसके ऊपर एक परसेंट इंश्योरेंस दिया जाएगा दैट इज एक लाख का इंश्योरेंस आ जाएगा ध्यान देना पुराने वाले मॉडल में वो एरर था भी नए वाले मॉडल में रेक्टिफाई किया इट इज नाउ वन लैख प्लीज पे अटेंशन और आपका ऑयल वगैरह का खर्चा नाइन हंड्रेड है तो बारह महीने का कितना हो जाएगा ये That is दैट इज टन थाउजेंड एट हंड्रेड दैट्स plus जस्ट टेक plus टोटल ऑफ दिस plus नाइन लाख टेन gonna get total as this one six seven six nine double zero. और सर इतना हमारा खर्चा होगा और हम कितने आर्स के लिए काम करेंगे कुछ आइडल आर्स वगैरह नहीं एक ही आर्स है इतने आर्स के लिए हम काम करेंगे सीधा दे दिया था

जाइएगा आप फास्ट uh, ट्रैक में ही वो भी कवर किया गया बस इंग्लिश वर्जन है प्ले लिस्ट पर जाइए इंग्लिश वर्जन वाली पूरी प्ले लिस्ट है उसमें ओवरहेड्स में जाइए इफ यू सर्च यू विल गेट इट मैं टेलीग्राम पे चाहे तो कोई तो डाल भी देगा वो कितने मिनट से वी आर वी ए वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तीन क्वेश्चन राइट सो दिस इज समथिंग ओवरहेड्स का पार्ट आई फास्ट ट्रैक में uh, में फुल कोर्स वाले भी कवर्ड है इंग्लिश वाला अगर आपको कवर करना हो तो कवर है तीन -फट क्वेश्चन हो जाएंगे उसमें भी स्पीड में ही कवर किया है तो वहां पे आप देख सकते हो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर बींग 10 बजे से बैठे हो थैंक यू फॉर दैट एंड या चलो चार घंटे ऑलमोस्ट हो गए हैं या चलो सर एक और वीडियो लिंक टेलीग्राम पे भेज दीजिए मशीन आर रेट का देवेश चलो विल डू दैट मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ और मैं भेज देता हूँ वैसा तो टेलीग्राम पे हालांकि प्ले लिस्ट में ही बट स्टिल इवन मैं इफ uh, पॉसिबल मैं कमेंट सेक्शन में भी डलवा दूंगा सी दैट आर रिकॉर्डेड इट वुड बी ईजियर फॉर देम टू गो टू दैट एंड इवन टाइम स्टैम्प अप पॉसिबल हुआ तो या yeah, अभी के लिए इतना काफी है थैंक यू सो मच विल डू दैट इफ आई डोंट डू रिमाइंड मी ऑन द टेलीग्राम आई विल डू दैट और देवेश यू कैन कॉल मी दैट्स जो यू मस्ट बी हैविंग माई नंबर राइट मैं सेव कर लेता हूँ या yeah. शिव पाटिल थैंक यू सलीमा देवेश ओके या मिलते हैं कल के लेक्चर में एबीसी कॉस्टिंग करेंगे फिर एक मार्जिनल एंड देन वी आर डन एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर है वो लेंगे या तो रिकॉर्डेड कुछ तो करवा देंगे आप टेंशन मत मतलब लो उस चीज का भी ओके अभी के लिए इतना काफी है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो को नहीं लाइक किया तो यार प्लीज डू लाइक एंड यू कैन ऑलवेज वंस द लेक्चर इज ओवर यू डोंट कमेंट बट स्टिल लाइक एंड इट इज माई ड्यूटी टू से दैट हैशटैग सी आरमआर और थैंक यू यू कैन ऑलवेज कमेंट फॉर दैट मैटर इट हेल्प मी टू ग्रो